फिर आ रहा है यूईटी टेक्सला, यहाँ से 1984 बैच में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिल हुआ था। मुझे याद है कि जनाब हम जब पहली दफ़ा फैसलाबाद का मैं रहने वाला तो हम जो पहली दफ़ा उस जमाने में 10 घंटे लगते थे सर फैसलाबाद से पिंडी आते हुए 8 घंटे, फिर 8 फिर सर पिंडी पीर बधाई से हम वैगन लेते थे फिर टेक्सला और फिर अंदर आते थे। ये यूज टू टेक 10 आवर्स। ये टेक्सला आपके गरीब भी हरिपुर भी हमारे में एक दफ़ा घूमे होंगे। तो आई स्पेंड लाइक 5 ईयर्स, यहाँ से 5 साल गुजारे हैं। तो मेरे जिस थोड़ी सी ये जो टॉक है ये गुफ्तगू है जरा हम उर्दू इंग्लिश में कर लेंगे, मिक्स करके कर लेंगे। आप लोगों की इंग्लिश बड़ी अच्छी थी माशाल्लाह, ये जो बाकी जितनी बोल रहे थे वेरी अमेजिंग एंड एक्सेंट बहुत शानदार है। मैं हम थोड़ा सा उर्दू में शिफ्ट हो गए तो मैं से आपको 15-20 मिनट अपनी कहानी थोड़ी सी सुना दूँ ताकि वो मतलब दुआ करते हैं उसमें अच्छी चीज़ हो। तो मेरे बच्चे जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मी हमें ये कहती थी कि बच्चों तुम्हारे अगर मैट्रिक में अच्छे नंबर आएंगे तो क्या कैरियर बनेगा, और 700 से ऊपर आएंगे तो क्या कैरियर बनेगा। और मेरे वालिद भी चूंकि प्रोफेसर थे एग्रीकल्चर के सर फॉरेस्ट्री के मेन मैनेजमेंट के बैचलर्स एमएस पीएचडी अमेरिका से था, और वो उनको इतना कंसर्न नहीं होता था। मालदा भी पढ़ी लिखी थी, शी वाज ऑलवेज प्रेशर हुई और हमें इतनी एहतमाम थी होमवर्क और फॉलोअप और इतना पढ़ाया इतना याद किया। और हमने ये देखा कि हमारी क्लास में उन बच्चों के नंबर ज़्यादा आते थे सर जो कुछ काम खास काम करते। हमारी क्लास में एक लड़का था रियाज, तो हमारा जब पेपर शुरू होता था तो घंटे के बाद वो कहता सर शीट एक्स्ट्रा शीट, फिर हर 15 मिनट के बाद एक शीट की आवाज़ आती थी और बाकी पूरी क्लास दिल दहल जाती थी यार हमने तो अभी समान पेपर शुरू हुआ है ये तो रियाज साहब 8-10 शीटें लगा जाते थे और जब रिजल्ट निकलता था तो ड्रॉप कर जाते थे। तो ये एक बड़ा वो जब हमने कहा कि इसकी खोज लगाई ट्राई टू फाइंड आउट कि रियाज साहब की कामयाबी का राज क्या है, तो पता ही चला कि वो मतलब तो बेमिट होती ना 8-10 शीटें लगाना मतलब, तो जब गौर किया तो पता ही चला कि रियाज साहब 3 हाशिए लगाते हैं लाइनें और फिर कलम दबा लेकर ना हेडिंग लगाते और इतने सारे पेपर में इतनी जगह बच जाती लिखने की और फिर वो सफ़े भर जाते हैं। तो हमने काम भी ये करते क्योंकि हम भी कंपटीशन में हैं और क्वेश्चन लर्न अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। तो वो हमने वो पूरी क्लास में ट्रेंड सेट हो गया और शीटें भरने लगी और वो जो हाशिए थे ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे और सुधरने लगे। वो अल्लाह की शान और रियाज साहब को हसना दाल चले गए तो बाद में मेरी बड़ी प्रदर्शन आ गई। तो मैंने टेक्निकल हाई स्कूल फैसलाबाद में 707 नंबर लिए। तो आप हमेशा याद पता नहीं होता ब्योरेट पेपर ब्योरेट यानी वो चीज़ें कई दफ़ा देखी भी नहीं होती थी बट वी वर फोर्स टू रिमेंबर एंड वी वर फोर्स टू रिप्रोड्यूस और उसकी बुनियाद पर मेरी पोजिशन आ गई और हम गवर्नमेंट कॉलेज में एसएससी में दाखिल हो गए। और जब वहाँ गए तो पता चला कि वो यहाँ तो हर चीज़ इंग्लिश में चली और सुअर आखिर अकल और आदि आजम जो लफ्ज़ था ये जनाब एच सी एफ एल सी एम बन गया और बड़ी मसला खड़ा हो गया। और हमारी अम्मी ने फिर कहा कि बेटा असल में कैरियर मैट्रिक में नहीं बनता है और अब यहाँ पर अगर आप लोग लगाएंगे ना तो फिर आप कामयाब होंगे और अगर आप जो भी लगाएंगे ना मेहनत ही करेंगे ना तो आप बड़ी लगाएंगे। तो मैं ये कहती थी सर जी अभी भी कहती हूँ बड़ा किया है सर जी राज साहब अभी भी कहते हैं कि बेटा बन ले ना तो कैरियर तो गया। तो इन्हें वो दैट वाज अ कांस्टेंट थ्रेट और वो इतनी रेडियो टीवी का जमाना तो था नहीं, वो कभी हफ्ते में ड्रामा लगता था ना घर में किसी मामले में शहर में हमसायों को जाकर बैठ गए थे और जनाब पैसे इतने कम होते थे। मतलब मेरे वालिद ने पीएचडी अमेरिका से शांति फोर्ड में करके आए हैं तो बाइसिकल पे जाते थे और जो पेप तो मेहमान आता था ना कि कभी तो फिर कभी जाकर वो पेप्सी और मरिंडा आती थी तो हम चाय भी नजरों से लेकर मेहमान को भेज और दिन पर चुपके से एक आध सेल्फी ले लेते थे और ये यानी सर ये
इसी पाकिस्तान ने वो जमाना देखा है कि हमारे पास इतना कम पैसा था पाकिस्तान में, और मुझे याद है कि मैं चूंकि वालिद के साथ अमेरिका भी रहा हूँ, पी एच डी कर रहे थे, आई वाज इन क्लास 3-4, तो 5 साल में एक दफा टेलीफोन हुआ था, एक दफा फैसलाबाद अमेरिका शिकागो से टेलीफोन हुआ। ये वो जमाना गुजरा है और वो सादगी थी, वो खाद शादी थी। तो बहरहाल वो हमारी अम्मी हमें फोर्स किया और एफ एस सी में बहुत ये ना वो तबीयत को गहरा गुजरता था, क्योंकि रट्टा लगाना, मेमोराइज करना और जवाब भी याद कर लेना, फार्मूले भी याद कर लेना, और एग्जैक्टली उसी को रिप्रोड्यूस करना, जो जितना एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस करेगा उतने नंबर आते। अभी सर जो हमारा पंजाब वाले तो ये भी कहकर मुझे नहीं, वो सिंध का ही हाल है, लेकिन जो हमारी एफ एस सी की जो किताबें हैं जी, उसे हमें किसने लिखी है? मेरे जो बेटे के अभी ए लेवल में माशाल्लाह अच्छे स्कोर आए, तो उसको मेडिकल में दाखिले के लिए एडमिशन टेस्ट देना पड़ा, एडमिशन टेस्ट एफ एस सी की किताबों से, तो उसको सारी चीज़ें याद करनी पड़ रही, इट वॉज सो अनकम्फर्टेबल। तो मेरा वो एफ एस सी में मेरे बच्चों मेरे अलहमदुल्ला मुनासिब नंबर आ गए, और हमने कहा कि अलहमदुल्ला अब ग्रेजुएट, और हमें यू टी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया और पढ़ाई शुरू हुई। तो पहला साल ही गुजरा था तो उन्होंने कहा कि जनाब असल में ना कैरियर उनका बनता है जो टॉप 10% में होते हैं, अब इंजीनियरिंग का जमाना भी गुजर रहा है और जिस फराबानी से जॉब्स मिलती हैं ना भी मिलेंगे। अब मेरा नंबर था 41, तो मुझसे 40 लोग ऊपर थे। अब वो अम्मी ने दोबारा तो नहीं कहा, लेकिन वो अम्मी वाली जो कैसर थी ना वो दोबारा चल गई, और हमने कहा कि टॉप 10 में आने की कोशिश करते हैं, और हमने दोनों काम शुरू कर दिए, मेमोराइजेशन एंड रिप्रोडक्शन। मेमोराइज किया मैंने कि हमारे जो नोट्स होते थे डॉक्टर साहब, वो पता नहीं 60s-70s के चले आते, और वो हाथों से लिखे होते थे। और मुझे एक दफा ये अटोमिक एनर्जी की लाइब्रेरी में जाने का मौका मिला, तो वहाँ पर अचानक चलते चलते किताब के नजर पड़ी, हम बैठे हुए थे, मैंने किताब देखी तो वो वही सब्जेक्ट था जो हमें पढ़ाया जाता। तो मेरे मामू और वो वहाँ पर रिसर्चर थे, उनसे कहकर वो किताब ली और वो किताब पढ़ी, तो उसके डायग्राम्स देखते ना वो चीज़ बड़ी आसानी से समझ आई। उसके बाद मैंने यूनिटी टेक्सला का वो पेपर हुआ, तो मैंने सबसे पहले वो डायग्राम ड्रॉ की, उसके बाद अपनी जुबान में उसको भेज दिया, और वो चूँकि थोड़ी सी प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस भी हो चुकी थी, वालद साहब भी बाहर से पढ़े हुए थे, तो जब मेरा रिजल्ट आया तो मुझे 150 में से 143 नंबर उस सब्जेक्ट में मिले। सो दैट वाज द डिस्कवरी कि किताबों से पढ़ा जाता है, यानी किताबों से पढ़ना दैट वाज नॉट अ नॉर्म एक्चुअली। ये नोट्स होंगे, मेमोराइज करना है, यानी एफ एस सी में भी ट्यूशन पढ़नी है, ये राइस पेपर वाले राइस पेपर होते थे उस जमाने में। हमारे एक टीचर थे सर इस्लाम चौहान साहब, वो 10 बजे ट्यूशन पढ़ने ना सर पहले 10 पेपर है, उसमें राइस पेपर कॉर्नर पेपर रखे, वो हमारे सर इतने जोर से लिखना पड़ता था कि उनके अंगूठे पर नाड़ियों के निशान बन गए थे पेन से, यानी वो। और हम जब ट्यूशन में पढ़ते थे तो हम कहते थे कि यार वो मुश्किल कॉन्सेप्ट आया तो क्लास में समझ लेंगे, जब क्लास में तो मुश्किल सा कॉन्सेप्ट समझ जाता था कि यार ट्यूशन में समझ लेंगे, ना उधर समझ आता था ना उधर समझ आता। ट्यूशन भी एक रवायत थी, एक ट्रेडिशन थी, हमें अबू का पैसे खूब दया किए। तो बहरहाल वो जो किताब से पढ़ने का एक हमें एक कॉन्सेप्ट मिला सेकंड सेमेस्टर में या यूजी टेक्सला में, उससे मैंने कहा कि यार ये नोट से मैं पढ़ता ही नहीं, किताबें खरीदनी शुरू कर दी। उस जमाने में नेशनल बुक फाउंडेशन एक इदारा था जो किताबें ना 50% अभी भी है, वो हमने कार्ड बनवाया और वो किताबें खरीदना शुरू कर दी, और अलहमदुल्लाह वो 10-40-50 आप अंदर जी पूरी समझ में नहीं आती थी सर, लेकिन 50-60% की जो समझ थी उसकी बुनियाद पर जब मेरा रिजल्ट निकला तो यू ही थी टेक्सला में मेरी पहली पोजिशन आ गई। और ये वाकया ने अनाउंस किया था कि जिसकी पहली पोजिशन आएगी ना उसको हम बगैर टेस्ट इंटरव्यू को जॉब दे देंगे, तो मुझे वाकया में जॉब मिल गई। तो हमने कहा अलहमदुल्ला अब क्या है, अब जो है ना वो जो हमारी ड्रीम थी ना हमारी वालदा की, अभी मुझे वाकई में 1 साल ही हुआ था, तो मैंने अब चूंकि सर हमारी सोसाइटी ने हमें ट्रेन कर दिया है कि हमने हर साल 2 साल के बाद चेंज आने, देयर विल बी अ चेंज, हमें ग्रो करना है,
क्योंकि जो आपकी जगह पे रहता है ना वो रह गया। तो मैंने आपके सीनियर से पूछा कि सर ये बताएं कि नेक्स्ट प्रमोशन कब होगी, एक्सीम कब करते हैं एसटीओ से। उनके शायद साहब पहले तो चार पाँच साल में बन जाया करते थे, अभी 10 साल में चला गए क्योंकि बाबरा की उतनी ग्रोथ नहीं हो रही, तो इसलिए एक से बारह हफ्ता है। मैंने कहा तो कैरियर तो हमारा कर रहे हम तो मरे भी। उनका एक सूरत है कि क्या अगर आप मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर एक डिग्री और ले लेना तो यू विल गेट एन एच एंड बेस्ड ऑन दैट एच यू विल बी परमानेंट। तो हमने कहा अच्छा, क्योंकि हम रट्टा और याद करके और इतना एग्जर्शन हो चुकी थी, हम कहते हैं यार इस प्रोसेस में नहीं जाना। लेकिन वो फिर हमने अप्लाई करना शुरू कर दिया, 10 12 30 40 जगहों पर अप्लाई किया। 92 की बात है जब मुझे एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंकॉक से मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप तो जब पहला पेपर हुआ तो उस वक्त पता चला कि पेपर में सोचना नहीं होता है, क्योंकि हमने जितने भी पेपर दिए थे उन पेपरों को करने में सोचने का रवाज नहीं था। आपने पेपर देखने पहला सवाल फला चैप्टर फला सवाल धन। और कई दफा मुझे याद है कि हमें मीटिंग हुई सर, वो सवाल बीच में फंस गया, जवाब याद है जवाब लिख दिया रिवर्स इंजीनियरिंग और दरमियान में से थोड़ा मतलब गलत भी हो गया ना तो टीचर को पता नहीं चला नंबर क्यों थोड़ा। तो यानी हमारे बहुत सारे बच्चों को सवालों के जवाब भी याद होते थे। हाइड्रोलिक्स का पेपर 50 सवाल याद है, असम्पशन हो उसकी तखमीन की सलाहियत में। लेकिन अभी तो वहाँ पर मेरी जो सी जी पी आई है सर वो 3.3 था, यानी यहाँ पर हम 3.9 पर कर रहे थे। तो हमें पता चला कि ऑल ऑफ दैट वाज इन्फ्लेटेड, हमारी औकात 3.2 3.1 वाले थे। इस सिस्टम ने हमें याद करने पर बटे लगाने पर लगाया और जनाब हम यहाँ पहुँच गए। तो वहाँ से फिर जनाब हम मेरी बाबड़ा से माशाल्लाह आया तो फिर कैरियर बन गया, रिश्ते भी आने शुरू हो गए और फिर माशाल्लाह हम बाबड़ा में जॉइन गए और प्रमोशन हो गया और फिर जनाब मल्टीनेशनल में जॉब मिली। सो एमएस का फायदा हो गया। तो वो जी सर यहाँ पर आप माइंडसेट देख सकते हैं ना, जब आपने टॉप किया तो तालियां बजी। जो आपने एक इम्पोर्टेंट बात की है अब तक, वो आपने ये की थी कि हर बंदा डिफरेंट सोचता है, नोबडी क्लेप्ट। तो वो जनाब मुझे सर बाबड़ा से ना जी मुझे उन्हें याद है कि 97 में अखबार में एक इश्तहार आया कि एक मल्टीनेशनल कंपनी बोलो की उन्होंने प्लांट खरीदी है वोटर टू प्रॉब्लम एंड दे आर लुकिंग फॉर समबडी। तो मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरी उसमें सिलेक्शन हो गई और मेरी जो तनख्वाह थी ना 5,000 थी उस 8,000 रुपये वाटर सुनकर 94-95 में मेरी सैलरी लगी 5,000 थी शायद। तो सैलरी बढ़ गई और मैं गोरों के साथ काम करने लगा और वहाँ पर मैंने ये देखा कि गोरों का जो काम करने का स्टाइल था ये बहुत डिफरेंट था। ये मशवरा बहुत करते थे और ये मैनेजमेंट बाई वॉकिंग बहुत करते थे और इनकी जितनी भी मीटिंग्स होती थी ना मुख्तसर होती थी, चलते फिरते होती थी और ये मशवरा बहुत करते थे और इसके अलावा तकल्लुफात की आदी नहीं थी। यानी उन्होंने एक फ्लोर पर 10 लोग बैठे हुए हैं उनका जो पीएन इस्तेमाल नहीं होंगे, एक ही बंदा होगा जो चाय बना कर रख देगा जिसने चाय पीनी है जादू पी गए और उनका ये फोटो कॉपी मशीन होगी जिसने कॉपी करनी है खुद जादू कर। तो उन्होंने ये कल्चर देखा है, उन्होंने दरवाजे सब कटवा दिए, उनका शीशे वाले दरवाजे बनाओ, उन्होंने कहा यहाँ देखो कंप्यूटर दो। ये 97 की बात है उस जमाने में। तो वहाँ पर हमने ये इंटरेस्टिंग चेंज देखी और हमें इस वक्त ये मालूम हुआ कि जनाब ये जो असल चीज़ तो धंधे हैं, इंजीनियरिंग और साइंस और टेक्नोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इंसान है। इंसानों से भी मशवरा किया जाए और इंसानों की भी रिस्पेक्ट की जाए और इंसानों को अगर ये बताया जाए कि तुम पावरफुल हो और तुम कायनात के खालिक की यूनिक मखलूक हो इरिस्पेक्टिव उसकी एजुकेशन क्या है, तो वो इंसान जो है ना तो वो जनाब माशाल्लाह इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसको बनने से निकलता है।
उसका अंदाजा भी इस तरह हुआ कि सर वो जब हमारी मैं प्लांट मैनेजर बन गया तो हमारे टीम में मैट्रिक पास की भी जमात वाले भी थे, मैट्रिक वाले भी थे, एफएससी वाले भी थे, इंजीनियर्स भी थे। तो हमने ये देखा है कि जो लोग मैट्रिक वाले हैं पांच जमात वाले उस प्लांट पर 20-20 साल से और हमारी पोस्टिंग 2 साल पहले भी थी। हमने ये देखा है कि जो आदमी ज्यादा अरसे से उस काम कर रहा है और ज्यादा देर से और वो प्लांट की हर छोटा काम कर रहा है उसका नॉलेज उतना ही ज्यादा है। और हमारा जो मॉडल था उसमें हर जूनियर सीनियर को सबसे क्या करता 10 बना और वो सबसे कहने की वजह से इतना फासला था दरमियान में। तो गोरों को हमने ये देखा कि वो एक टेबल पे सबको बैठा लेते थे, पांचवी जमात वाला भी, दसवीं वाला भी, इंजीनियर वाला भी, डिप्लोमे वाला भी, और उनसे मशवरा करते थे। तो इस मशवरा करने की बरकत से हमने ये देखा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे प्लांट के हल हुए और आपस में तालमेल कायम हुए। तो ये एक हमारी मेजर लर्निंग थी और ये हमें उस वक्त तो हमने कहा यार ये जो काम कर रहे हैं बोले ये तो एग्जैक्टली हमारे दीन के तहत है कि मशवरा करो, रिस्पेक्ट करो। और इरिस्पेक्टिव तो स्टेटस जो होता है वो तो आदमी के अखलाक से बनता है और उसकी खिदमत से बनता है। तो ये जब मेरी लर्निंग हुई और मैंने ये देखा कि हमारी जो कंपनी में जो सीईओ बनता है ना सरकार साहब वो लोग बनते हैं जिनकी मैनेजमेंट मिली। तो 1999 में हमने फिर कहना शुरू कर दिया कि यार ये तो बड़ा फिर रह गया यार, ये मैनेजमेंट हमें पढ़ी नहीं, हमें मार्केटिंग नहीं पढ़ी, हमने एचआर नहीं पढ़ी, हमने फाइनेंस नहीं पढ़ी। ये चीज़ें अगर पढ़ लेना तो आदमी फिर और ऊपर जा सकता है और बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो ये हमारे अंदर ना ये फिर पैदा हुआ है। और मुझे किसी ने कहा कि शाहिद साहब अगर आपने पढ़ना चाहते हैं तो लाहौर में लंच चले जाए, लंच यूनिवर्सिटी है लाहौर में। तो 2001 में हमने अप्लाई किया तो ये फिर एहसास हो गया कैरियर तो बने नहीं, तो हम लंच पहुँचे। लंच में मैंने MBA करने का अल्लाह ताला ने मौका दिया और वहाँ पर हमने मैनेजमेंट की काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, काफ़ी सारी चीज़ें थी बहुत अच्छी थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें बाद में पता चला कि वो नहीं सीखने वाली थी। तो आपसे अभी हमें डिस्कस करना है अगले 50 मिनट में 40 मिनट में कि जनाब वो कौन सी चीज़ें अच्छी थी और कौन सी चीज़ें ऐसी थी जिसका हमें उससे पहले डॉक्टर साहब भी होता था कि हमारी जितनी भी प्रीवियस एजुकेशन थी उसमें नंबर मिलते थे मेमोरी के बेस के ऊपर और शीटों बनाने के बेस के ऊपर। थाईलैंड में गए तो वहां पर नंबर कुछ क्रिएटिविटी के थे और प्रेजेंटेशन वहां भी काउंट होती थी। तो जब लंच में आए तो यहाँ पर जो हमारे नंबर MBA प्रोग्राम में जो हमारे ग्रेड्स थे वो बोलने के ऊपर शिफ्ट हो गए, जो जितना ज्यादा बोलेगा उतने ग्रेड्स मिलेंगे। तो ये एक बड़ा मसला पैदा हुआ क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं या कंप्यूटर साइंस के लोग होते हैं इनके लिए बोलना ज़्यादा मसला होता है, अच्छी इंग्लिश सीखना भी मसला होता है, बोलना भी मसला होता है। हमारे यहाँ 30-40% जनरली ग्रेड्स वो बोलने के ऊपर होते थे तो हमारे जो नंबर ग्रेड्स ना और धर्म से ड्रॉप होने शुरू हो गए। हम समझते थे कि MBA की डिग्री बड़ी आसान डिग्री है लेकिन लम्स का MBA बहुत मुश्किल साबित हुआ क्योंकि जो ओ लेवल वाले सोशल साइंस के जो लोग थे दे आर वेरी गुड इन आर्टिकल वो 10 सेकंड की बात को ना 3 मिनट में करेंगे, सर आई मीन दिस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ आगे वो वैसे बोलेंगे और वो एंड बट इफ 10 करके ना जी उसी जुमले को लगा देते हैं। और वो जो टीचर की जो क्लास होती है उसमें जो आदमी जितना लंबा जुमला बोल रहे हैं जितनी ज्यादा एयर टाइम ले उसकी ग्रेडिंग ज्यादा हो जाती है। तो हमने ये समझना शुरू कर दिया कि वो इधर मारेगी हैंडीकैप हमारा ये एक हैंडीकैप है। जो अच्छी चीज़ें हमने सीखी वो ये थी कि उनका डिसिप्लिन था, उनका करियर, उनका कौन करियर क्लासरूम है, उनकी फैकल्टी बहुत शानदार है। लेकिन ग्रेजुअली हमने ये नोट किया कि हमारी पूरी क्लास का जो जोर था वो प्रेजेंटेशन में बोलने पर हो चुका था। एवरीबॉडी वांटेड टू टॉक मोर एंड मोर एंड मोर विद द अमेरिकन एक्सेंट, विद द ब्रिटिश एक्सेंट। जिसका एक्सेंट जितना अच्छा होगा उसके ग्रेड उतने ज्यादा अच्छे होंगे, जो जितना ज्यादा बोलेगा जिसकी जुबान में भारी भरकम इंग्लिश के अल्फाज ज्यादा होंगे उसके ग्रेड ज्यादा है। तो ये 2 साल मेरे जब खत्म होने को आए तो अल्लाह की एक शाम अजीब वाकया पेश आया। मतलब मैं तो वापस जाने के लिए आया था, मैं तो MBA करने आया था कि यहाँ सीकर CEO बनेंगे,
कैरियर में और तरक्की करेंगे। तो वहां पर एक एंटरप्रेन्योर से मुलाकात हो गई, गुजरावाला के एक आदमी अनवर डार साहब, वो एक यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे थे गुजरावाला में, गिफ्ट यूनिवर्सिटीज का नाम है, वो ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे थे जो अनवर डार बनाए। अनवर डार जो है वो 12 जमात पास हैं और सैयद बाबर अली ऐसे जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं ना जी, ये 10, 12, 14 जमात पढ़े हुए लोग हैं, और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी बनानी है जो गुलाम न बनाए। I don't want to produce slaves. क्योंकि अनवर डार साहब जो हैं वो डॉलर ईस्ट एक्सचेंज कंपनी के मालिक हैं, उनके पास कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके बोर्ड एडवाइजरी में लम्स के जितने पीएचडीज हैं। उन्होंने कहा शाहिद साहब एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनानी है जहां पर सेकंड थर्ड डिवीजन वाले को सलूट मारा जाए, एक ऐसी 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 यूनिवर्सिटी हो जहां पर जो बच्चा ना पर जो नारायणकालीन बच्चा होगा उसको हम उसकी क्रिएटिविटी के ऊपर खेलने का मौका दें, जहां पर एडमिशन क्राइटेरिया ही ग्रेट ना हो, एडमिशन क्राइटेरिया इंटरव्यू हो, और इस बच्चे से पूछा जाए कि तुम्हें शौक और जुनून किस चीज का है और तुम क्या कर सकते हो, कोई चीज बेचनी आती है, तुम्हें बनानी आती है, खाला ताया मामू चचा तो कारखाना तो इलाका ही ऐसा गुजरा वाला वजीराबाद से आपको इंटरेस्ट कर, तो उनको ये जुनून पैदा हुआ कि यार ये मैंने 12 जमाती पढ़कर मैं 1 अरब रुपए की सनत को चला रहा हूँ और मुझे जो जरूरत पेश आती है मैं करवा लेता हूँ काम, मुझे कोई मसला आए मैं शराब साहब को इस्तेमाल कर लूंगा, जो कह दूंगा, तो मुझे तो ऐसे बंदे चाहिए ना, मुझे लकीर के फिकर नहीं चाहिए जो कॉमर्स की डिग्री को लेकर फिरे। इसलिए इश्फाक अहमद साहब जो हमारे राइटर हैं बहुत मशहूर, वो ये कहते हैं कि काश काश जनक ये डिग्री हो, काश जनक ये मैं नंबर्स देना बंद करूं, ये पोजीशन बंद हो जाए, ए बी सी डी ग्रेड्स बंद हो जाए। वो कहते हैं कि क्या होता है इससे, 30 बच्चों की क्लास है जब रिजल्ट निकलता है तो कितने बच्चों को पोजीशन मिलती है, 35 बच्चों को, 27 बच्चे मुंह लटका के खत्म हो जाते हैं। वो कहते हैं कि पूरे साल की मेहनत का खुलासा ये था कि 3 बच्चे खुश घर को लौटेंगे और 27 बच्चे नाकाम हो ना ना मुराद मुंह लटकाए खत्म हो जाते हैं। टीचर का तो काम था ही नहीं है, टीचर तो उम्मीद का पैगाम लेकर आता है, मायूसियां थोड़ी मांगता है, टीचर तो उनमें शौक, वो कहते हैं हमारे प्रोफेसर हेनरी हार्वर्ड के प्रोफेसर वो कहते हैं कि नेवर टेल योर स्टूडेंट्स टेल योर मोर देन, नेवर टेल योर स्टूडेंट्स, टीचर्स की ट्रेनिंग में कहते हैं नेवर टेल योर स्टूडेंट्स नो आई गो मोर देन यू, टेल देम आई लव माय सब्जेक्ट, टीचर तो वो है जो अपने सब्जेक्ट से प्यार करता है, वो कहते बताना क्या स्टूडेंट्स को, आई विल टेल माय स्टूडेंट्स माय डियर स्टूडेंट्स आई लव माय सब्जेक्ट्स आई एम अ फैन ऑफ माय सब्जेक्ट और लेट्स लर्न टुगेदर और मिल के हम इसको सीखते हैं, तो यू आर माय लर्निंग पार्टनर्स, तो मेरे मावन हो मुझे मिल के हम इसको सीखेंगे। ये इसकी वीडियो से हमारे पास टीचर्स ट्रेनिंग की डॉक्टर साहब, और वो हमने उसको कहा देखो सुन का टीचिंग इज नॉट अ प्रोफेशन, टीचिंग इज अ मिशन, ये तो जनाब प्रोफेशन जिसने पैसे बनाने को ना रहे इसके अंदर, ये एक मिशन है। तो जनाब वो मैं कहाँ बात की किसी बात से कहा जनाब गिफ्ट, हाँ तो वो अब उन्होंने गिफ्ट उठार साहब जो है ना गुजर वाला में हमने देखा है कि लाखपति करोड़पति लेथ मशीनें रखी हुई हैं, प्लास्टिक और बच्चियाँ की खातिन भी अपने अम्मी अबों के साथ मिलकर सेटअप चला रही हैं, तो उन्होंने वो लम्स के किसी प्रोफेसर को बुलाना चाहते थे, अब लम्स का कोई प्रोफेसर बुलाने को तैयार नहीं था, उनकी मेरे से तारुफ कराया गया हमारे एक प्रोफेसर ने, उन्होंने शायद यार आपने क्या करना है वापस जाकर यार कैरियर कैरियर और वापस कॉरपोरेशन में जाएंगे तो वाई डोंट यू कम इनटू टीचिंग, आप इसके डीन बन जाओ, पूरी यूनिवर्सिटी को डिजाइन करें, और अल्लाह ताला के फजल से 2004 में एट द एज ऑफ 37 आई स्विच इनटू टीचिंग। मेरा मैंने पहले 12-15 साल थे वो मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग बॉयलर गैस टरबाइन स्टीम टरबाइन लुब्रिकेशन अब इसमें गुजरे थे, अब हमारी पटरी अचानक बदली, मैंने अपने वालिद से मशवरा किया, वाइफ से मशवरा किया, मेरे वालिद भी प्रोफेसर हैं, दादा भी प्रोफेसर हैं, तो पता चला कि मैं तो इंजीनियर था ही, डॉक्टर साहब मैं तो इंजीनियर था ही नहीं, वो जो इंजीनियर बनाया गया वो इसलिए था कि हमारे मामू सिविल इंजीनियर थे,
वो जब भी दुबई से आया करते थे 70s में, वो खिलौने ले रहा और उनकी शादी अच्छी जगह पर। तो हमें पता ही चला, हमें इक्वेशन क्या बनी, जो इंजीनियर बनेगा पैसे होंगे, रिश्ते आएंगे, जॉब्स मिलेगी, दुबई के चक्कर लगेंगे। सो दैट वाज द सेलिंग प्रोपोजिशन। इसके ड्रामे के जमाने में डॉक्टर बोलते दुबई चलो, और दैट वाज द सेलिंग प्रोपोजिशन। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, इसलिए वो कहते हैं यार पाकिस्तान में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, डॉक्टर या इंजीनियर। तो अब कुछ थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, अदरवाइज। तो इन्होंने फिर अल्लाह ताला ने सर तौफीक दी, वो गिफ्ट यूनिवर्सिटी को अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें, हमें पूरी समझ नहीं थी। हमें जब वहाँ पहुंचे तो हमें ये पता चला कि लम्स में जो हमने सीखा था ना, उसमें से बहुत सारी चीजें अनलर्न करनी पड़ेगी। एक तो इंग्लिश को कम करना पड़ेगा, उर्दू को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इंग्लिश में हो ही नहीं सकती, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में सोचना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप में आपको लोकल लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा ना, तो मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान होगा। तो यू हैव टू बी इंडिजिनस, इंग्लिश सीखने, इतने सीखने की जरूरत है। अब मैं जर्मनी में रहा हूँ, थाईलैंड में रहा हूँ, थाईलैंड वाले उनको कोई कोई क्रेज नहीं इंग्लिश सीखने का। आपको बैंकॉक में फिरना है तो गाइड लेना पड़ेगा। इस थर्ड वर्ल्ड हमारी तरह डेवलपमेंट कंट्री, दे हैव नो क्रेज ऑफ लर्निंग इंग्लिश। फ्रेंच हैं, इटालियन हैं, जर्मन हैं, लेकिन हमसे जिसने बात करनी है हमारी जान सीखे। तो हमारे अंदर वो ताकत पैदा हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश को ना सीखे, लेकिन इतना सीखे जितनी जरूरत है। हमें तो इस वक्त सर मसला यह है कि अलामा इकबाल के शेर बच्चों को समझ नहीं आ रहा। इस वक्त उर्दू का बड़ा खत हो चुका है। इस वक्त तो हमारी जो अपने कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, तो जिसकी उर्दू स्ट्रांग हो गई ना, या अपने इनको जो भी आपकी है, दैट हैज टू बी स्ट्रांगर इफ यू वांट टू बी एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमें पता चला। दूसरा ये पता चला कि जितना भी अमेरिकन टेक्स्ट बुक्स पढ़ रही है, जो भी हमारे टेक्स्ट बुक्स पढ़ाई चले जा रहे हैं, ये तो रेलेवेंट ही नहीं है। हम सब इनको कॉरपोरेशन और बड़े बड़े कारखानों की कहानी सुनाते हैं, और बड़े कारखाने पाकिस्तान में आए बहुत थोड़े। तो इनकी वजह से अभी हम रॉ थे, और लंबी कहानी अल्लाह तरम किया कि 10-12 लोगों को एक टीम जमा हुई, और हमने ये कहा कि पावर पॉइंट से नहीं पढ़ाना। पावर पॉइंट से पढ़ाना जो है ना जी, वो हार्वर्ड मॉडल में इसका एक मेथड है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग ये कहती है कि आप बच्चों को ऐसे पढ़ाएं कि कोई आदमी जनाब आपकी तरफ देख के बगैर रहे ना, बेटे इधर देखिए मेरी तरफ, कोई आदमी आपकी तरफ देख के बगैर रहे ना, आपकी तवज्जो यू उसकी बहुत जबरदस्त टेक्निक्स हैं जो हमने हार्वर्ड से वीडियो खरीदी थी $350 की जमाने में। और लोग मोबाइल खोल लेंगे और उनकी तवज्जो हट जाएगी। तो पावर पॉइंट इज ओनली अ स्मॉल पार्ट एक्चुअली। मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर यू हैव टू हैव अ कंपेलिंग स्टोरी। ऐसी हर क्लास में कंपेलिंग स्टोरी हो टीचर के पास, और हर 10 मिनट के बाद उसको कहते हैं सेगवे। हर 7-8 मिनट के बाद आपकी टोन बदल रही हो, कभी वीडियो चल गई, कभी केस डिस्कशन हो गई, कभी आर्गुमेंट्स करवा दिया, कभी बोर्ड पर लिख दिया, इसको सेगमेंट कहते हैं। अब हमने ये सीखने का मौका मिला, और पता ये चला कि हमारे जो बच्चे हैं ना, ये सब एक ग्रेड थे, कोई सेकंड थर्ड डिवीजन नहीं होता। और इशफाक साहब ने ये कहा था, इशफाक साहब जब वापस आएंगे तुम याद कर, इशफाक साहब ने अजीब बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मेरे मुल्क का लिटरेसी रेट 94% है। 94 हम क्या कहते हैं, 20-30 वहां पर पीएचडी बैठे सर केमिस्ट्री के, तो नहीं कर बैठे थे आप, माइंड नहीं करना। तो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, उन्होंने सर आपने हमारे साथ तोहीन कर दिया। सर मैं पीएचडी करके आया, पंजाबी भी समझ सकते हैं, मैं पीएचडी करके आया और जनाब मैं थे इंग्लैंड में, बड़ा पैसा खुशी है उनका। डॉक्टर साहब आपकी लेबॉरेटरी का दरवाजा अगर खराब हो जाए, धीमे को लग जाए, किसको बुलाएंगे सर? वो कारपेंटर आएगा, कारपेंटर आकर कहेगा सर ये बाहर का दरवाजा है, बारिश का भी खतरा है, इसमें पड़कर लगेगी और ढाई मुकसर लकड़ी लगेगी। डॉक्टर साहब ये ढाई मुकसर क्या होता है सर? मुझे कोई पता नहीं। डॉक्टर साहब वहां मेडिकल डॉक्टर थे, उनको सर मैं डॉक्टर अस्पताल में हूँ सर, आप ऐसा ना करें, इनको सेमी स्किल्ड रहने दें। उनको डॉक्टर साहब आपके दफ्तर आपके अस्पताल के बाहर एक बंदा है जो वेल्डिंग कर रहा है, दो पाइपों को जोड़ता है।
सर आप दो शरीयानों को जोड़ते हैं वो दो पाइपों को जोड़ता है, मेरे हिसाब से दोनों बराबर है, इश्वाक साहब ने लिखा होगा। और इश्वाक साहब कहते हैं कि हमारे जो शहर पर वो बच्चियां आई वो बाबलपुर की थी और वहाँ जनाब कॉटन पिकिंग करती थी। मैंने उनसे पूछा बच्चियों क्या बंदे भी ये काम कर सकते हैं, और कहती अंकल जी नहीं कर सकते, ये पूरा पौधा ही फूट लेंगे, इधर की उंगलियां मोटी होंगी। मैन कैन नॉट डू इट, ओनली वुमन कैन डू। और गुजरात की जो बेटियां माएँ बहनें हमारी वो राइस प्लांटेशन करती हैं, झुक के वो पानी में ह्यूमिडिटी में डालना होता है। इश्वाक साहब कहते हैं कि मेरे हिसाब से दीज वुमन आर मास्टर्स इन राइस प्लांटेशन एंड दीज वुमन आर मास्टर्स इन कॉटन पिकिंग। और जो बाबा जी उनसे रानी सीधी करा रही है पीएचडी, इश्वाक साहब कहते हैं जुल्म ये हुआ कि मेरा मेरी भांजी ने गिनेट कॉलेज से होम इकोनॉमिक्स से मास्टर किया हुआ है, और जब खाने की दावत होगी तो सदीक नाई सदीक बाबाजी आएगा। और मेरे भतीजे ने यूईटी से टॉप किया मैकेनिकल में, और गाड़ी खराब होगी तो तारक मिस्त्री आएगा। ये क्या करेंगे पढ़े लिखे लोग? उन्होंने कहा कि जुल्म ये हुआ कि जनाब साहिब इसको कहते हैं ये साहिब माने कलम है, जितने भी डिग्रियों वाले हम भी फायदा लिएगा यह साहिबान कलम। इश्वाक साहब कहते हैं मेरे रूम का हर माली है, मिस्त्री है, धोबी है, दर्जी, हर वेल्डर, हर टेक्नीशियन, हर मैकेनिक ये साहिबान इलम में से है। इनके पास एक ऐसा इलम है जिसकी बुनियाद पर बहुत सारे काम हो, और साहिबान कलम के पास कलम है और जुबान है जो बोलते चले जाते हैं और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिए चले जाते हैं। इनके पास ये दफ्तरों में साइन कर सकते हैं। उनका जुल्म ये हुआ कि जनाब साहिबाने कलम ने साहिबाने इलम को धुतका। तो जनाब मेरे प्यारे अजीज बच्चों मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ पिक्चर, ये देखिए जरा, ये देखिए। और जनाब यहाँ पे वो साहब खड़े गए हैं और कह रहे हैं कि जनाब मुकाबला कराना है, फॉर अ फेयर सिलेक्शन एवरीबॉडी हैज टू टेक दिस एग्जाम, प्लीज क्लाइम बैक टू। माशाल्लाह कितने अच्छे इम्तहान है, अरे क्या मसला जी इम्तहान में, अरे इस इम्तहान में क्या मसला जना? मसला ही मसला है सर जी, एक बंदा जी की सबसे बल्ले की सलाहियत लेता है, हर एक को ना यूनिक बनाया। तो अभी मैं पिछले दिन मैंने फेलोशिप पर बॉस्टन में था तो हमारे प्रोफेसर थे, उनका कि हमने जनरली फाइनल एग्जाम को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा वो कैसे हैं? उन्होंने कहा कि हर बंदा अपना फाइनल एग्जाम खुद बनाए। थोड़ी सी रेडिकल बात करती हूँ मैं, अभी मैं इस वक्त दो पेपर ले रहा हूँ, बीबीए का एक एमबीए का। हमने भी कहा कि हर बच्चा अपना इम्तहान खुद बनाएगा, हर बंदा मुझसे मिलेगा। तो सर मेरे जहन में ये आ रहा है प्लीज टेस्ट मी ऑन दिस, ये आपने जो पूरा पढ़ाया है ना पूरा सुन। हमने इस वक्त मेरे दोनों इम्तहान चल रहे हैं, तीन हफ्ते के इम्तहान है। हर बच्चे ने अपने इम्तहान को डिजाइन किया है, आपने जो पूरे फ्रेमवर्क्स पढ़ाए हैं ना, तीन चार ऑप्शन दिए हैं। हम कह रहे हैं कि जनाब कोई मछली है कोई पेंगुइन है कोई हाथी है, वो अपने इम्तहान को डिजाइन करें कहीं, और पहले से शिकायतें हो रही हैं। और ऐसा मज़ा आ रहा है सर कि हर बच्चा बच्ची ये कह रहा है कि सर जो आपने फ्रेमवर्क्स बनाए हैं ना तो मेरे अबू का कारखाना मैं उस पर अप्लाई करूँ, मेरे इस पर करें अप्लाई। एक ने कहा कि जनाब मेरा तो कोई हमारा बिजनेस नहीं है, तो मैंने कहा वो फलां बिजनेस है वहाँ चले जाएँ, ये फ्रेमवर्क वहाँ अप्लाई करें और ये आपने हमें रिपोर्ट करना है। और इसके अलावा अगर कोई इम्तहान देना चाहता है वो इम्तहान भी दे सकते हैं, वो तीन घंटे वाला इम्तहान देना है वो भी दे सकते हैं। उसके अलावा फिर हमने चौथी ऑप्शन भी दी कि ये जो फ्रेमवर्क के फ्लक्चुएशन के हैं आप 20 बंदे इकट्ठे करके उनको एक दिन की वर्कशॉप करा के आओ, उसकी फीडबैक आप 10 रुपये मांग लेते हैं। आप अपने महल्ले में बच्चियाँ जो हैं मासी को इकट्ठी करें 10 को, उनको ये फ्रेमवर्क समझा दें जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का 10 रुपये मांग लेते हैं। तो इन्हें हुए सिंगापुर में सर उन्होंने ना ये ग्रेडिंग्स ये चंद हफ्ते पहले उन्होंने कहा कि हम ए बी सी ग्रेड बात कर रहे हैं। तो इन्हें हुए अब इस दिस इज वन ऑफ अगर ये मुश्किल है पाकिस्तान में एच ई सी की रेगुलेशन के तहत ये करना अभी खासा मुश्किल होगा, हमें आई बी ए में थोड़ी सी तो लेकिन एक सर दुनिया की तेजी से चेंज हो रही है, तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि वैसे क्रिएटिव चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाए कि वो। लेकिन आप प्रोजेक्ट्स भी दे रहे हैं ना, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हैं तो उनको उनकी कुछ शक्ल ऐसी की जा सके।
तो वो सर जो गिफ्ट में अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है उसमें अगर हमें बच्चों के साथ इंटरेक्शन का मौका मिला और वो जो सेकंड थर्ड डिवीजन बच्चे थे, एक तो वैसे हमारी मजबूरी थी क्योंकि जब यूनिवर्सिटी नहीं बनती है ना तो फर्स्ट डिवीजन आती है, तो अल्लाह की तरफ से वी वर फोर्स टू टेक एनीबॉडी। हमारी एक स्ट्रैटेजी है जे एन जाने ना पाए तो हमने अपने नफस बनाया, तो हमने जो आया उसको रखा, लेकिन हमने ये किया। ये सर थोड़े से ना दिल की बातें जरा हम खुल के आपसे कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन हम उसको उनका ख्याल कभी करते कभी नहीं भी करते। तो हमारे डॉक्टर जेक हैं उसके प्रोफेसर, उन्होंने कहा शायद साहब आप जो है जी अगर ग्रेड्स की बुनियाद पर रखोगे ना एक बंदा भी सिलेक्ट होगा, तो आप इस तरह करें नंबर्स को 20% कर लें, इंटरव्यू को 60% ले लें और कुछ टेस्ट कर लें एडमिशन टेस्ट, और इंटरव्यू में अगर हम पूछते थे कि बच्चों तुम क्या करोगे, वालिद क्या करते हैं, फैमिली क्या करती है, तुम्हारा कारोबार कैसा है, क्या करने का इरादा है, तो हर सेकंड थर्ड डिवीजन का जो बच्चा था ना जी वो ऐसा खुलकर सामने आया और उसके अंदर इतना पोटेंशियल था कि हमें ये पता चला कि इसमें ये इसमें ये इसमें ये खूबी है, और उसकी बुनियाद पर जब वो बच्चे आए तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 40-50% बच्चों ने उस पढ़ाई के दौरान ही 50,000 बना रहा है, कोई 1,00,000 बना रहा है, शाम को जा रहा है पंप बना के बेच आया, कुछ कोई चीज़ बना के बेच आया, किसने एक प्लॉट बेच दिया, और उसी की बुनियाद पर हमने अपने कोर्सेज को चेंज करना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मेरे 2 साल गुजरे थे पूरी जर्मनी में, अल्लाह ताला ने PhD का स्कॉलरशिप दिया, तो आई डिड माई PhD एट दी स्टार्टेड एट एज ऑफ 39। तो वहाँ से हमारी सही अनलर्निंग शुरू हुई। तो जो जर्मन मॉडल था वहाँ पर ये खुल के ये पता चला कि हर आदमी वाकई और किसी एक आदमी के लिए जो पेपर और क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एक तरह का पेपर है ना उसका नुकसान ये है कि टीचर के दिमाग में एक जवाब होगा तो हर आदमी उस जवाब को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा, तो वी आर सेंटर फोकसिंग ऑन वन आंसर एंड वी आर टेलिंग प्रेजेंट। तो ये थोड़ी सी जर्नी थी, जिसके बाद जो दूसरी जो इंटरेस्टिंग अनलर्निंग ये हुई मेरे प्यारे बच्चों, जो इम्पोर्टेंट बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अमेरिका की हों या यूरोप की हों, ये मैं बड़ी तस्वीर कर देता हूँ, ठहर दिस इज अ स्मॉलर वन, दुनिया भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इंजीनियरिंग की हों मेडिकल की हों IT की हों पूरी दुनिया भर, इट्स नॉट अ पाकिस्तान प्रॉब्लम, दुनिया भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने स्टूडेंट्स को इस जहन के लिए ऊपर तैयार कर रही हैं, इस जहन के ऊपर तैयार कर रही हैं कि असबाब होंगे कि असबाबों पे दम काम करेंगे, पैसा होगा बिल्डिंग होगी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा गाड़ी होगी शक्ति होगा होगी और हमारे पास पैसे होंगे उसके बदम काम, हमारे डॉक्टर्स जो हैं डॉ मेडिकल की ग्रेजुएट के वो किस जहन से तैयार हो रहे हैं, हम 7-5 साल हाउस जॉब के बाद निकलेंगे अस्पताल होगा नर्स होगी मशीनें होंगी सर्जरी के रूम्स होंगे इक्विपमेंट होगा हम काम करेंगे, इंजीनियर्स जिस जहन से निकल रहे हैं IT वाले, हर बच्चा हर फर्द वाहिद बच्चों और बच्ची को इस जहन से तैयार करके निकल जा रहा है। अब ये जो जहन है इसको सर हम कहते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का लेंस, ये ऐसी अहमियत लगाई जा रही है, यानी हम हर बच्चे को एक ऐसी अहमियत लगाते हैं कि वो जब तक ये पैसा और चीजें नहीं होंगी ना वो काम ही नहीं करेगा। अगर हमारा जो PhD प्रोफेसर जर्मनी से पढ़कर आते हैं ना बहुत सारे VCs वो कहते हैं कि सर वो बंदा है सर उस तरह की लैब बनाकर दे दूंगा काम करो, उस तरह का इक्विपमेंट होगा, अब कुछ बाहर जगह थोड़ी सी बेहतरी हुई है लेकिन बहुत सारे प्रोफेसर जो हमारे बाहर से पढ़ कर आए उस तरह की लैब होगी तो हम काम करेंगे, उस तरह का इक्विपमेंट होगा तो काम करेंगे, इंडस्ट्री वाले हमारे पास चल के आएंगे तो हम काम करेंगे, तो ऑडिट का ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम ये था, तो अब जब वो आएंगे चीजें होंगी तो हम काम करेंगे ये जहन दे दिया गया। और ये जहन क्यों दिया गया, इसकी जहन की वजह ये थी कि 1910-12 में जब अमरीका में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई वहाँ के जो अमीर लोग थे वो बहुत अमीर हो गए, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटियों से कहा के सेठों ने कि हमें जो है ना हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारे लिए मैनेजर्स बन सकें हमारे लिए इंजीनियर बन सकें, उससे पहले ये काम मुंशी किया करते थे फोरमैन किया करते थे, तो हार्वर्ड ने सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनाई
जिसने एमबीए बीबीए प्रोग्राम लॉन्च किया और उनका मकसद उनका सेठों ने कहा कि हमें ऐसे बंदे चाहिए जो आगे से आर्गुमेंट ना करें, मैं लकीर के फकीर हूँ, जो हम कह दें वो करें, क्रिएटिविटी ज्यादा ना हो, इनको हम अच्छी तनख्वाह देंगे, इनको अपने आराम आराइश का दिलदादा बना देंगे, जो हमारे सिस्टम होंगे ना उनको मेनटेन करना उनकी जिम्मेदारी हो, स्मार्ट ज्यादा ना हो, क्रिएटिविटी ज्यादा ना हो, इंग्लिश लिबास अच्छा हो, ये अच्छा हो, लेकिन क्रिएटिविटी में इनोवेशन में ये दैट वॉज अ सिस्टम जिसके लिए करिकुलम डिजाइन होने शुरू हुए 1920-30 में, और जितने भी करिकुलम हमारे हैं उन सब की बुनियाद ये है, चीजें होंगी, पैसे होंगे, दफ्तर होंगे तुम्हारे। अब हुआ ये कि 50-60-70 साल तक ये मॉडल चला, अब जब आईटी का रेवोल्यूशन आया पोस्ट 9/11 दुनिया में तेजी से दर दिए गए, बड़े बड़े कॉरपोरेशन टूट गई और पता ये चला कि ये जो मॉडर्न था ना ये तो सिर्फ उस जमाने के सेठ लोगों के की जरूरत था, जो पूरा एजुकेशन सिस्टम और करिकुलम था वो तो सिर्फ उन लोगों को स्लेव चाहिए थे, कॉर्पोरेट स्लेव्स, उनको ऐसे आदमी चाहिए थे जिनको पेंशन दी जाएगी 30 साल की, चल बेटा चाहकर हमारे साथ आओ, 40 साल तक मेरे शुगर के कारखाने चलाओ, तुम्हें तरक्की देंगे हर 5 साल का, बोनस भी देंगे, इंसेंटिव भी देंगे, तुम्हारा काम यह है कि सस्ती से सस्ती चीनी बनाते चले जाना है और इस एरिया के अंदर जाना है, तुम्हें गाड़ी भी दे देंगे और तुम्हें जनाब टेनिस क्लब गोल्फ क्लब की मेम्बरशिप भी दे देंगे और तुम्हें इस और बड़े बड़े कारखाने बनने चले गए। तो इसको हम ये कहते हैं causal lens। जब ये 9/11 के बाद जब ये वाकया पेश आए, अभी इस वक्त मुझे सर GIK से फोन आया कि सर मेरे बच्चे ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर ली है और वो 6 महीने हो गए हैं उसके बाद जॉब नहीं है। तो हमने पूछा कि सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का खर्चा कितना हुआ, आपको पता कितनी फीस थी? 20 लाख। हॉस्टल की फीस 4 लाख, 4 साल का खाना पीना 4 लाख रुपये, 28 लाख रुपया खर्च हुए। और एक और कॉस्ट होती है जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि इसके इस दौरान कुछ और काम। अब 30 लाख खर्च करके अब बंदा 8 महीने से फारिग है तो हम उसको क्या कहेंगे? अरे हमारे हमारे मेमन और चिन्होटी, अच्छा वो भी हमारे IB में पढ़ रहे हैं, हमारे IB के 25% बच्चों को जॉब नहीं मिली, हर बैच के 25% बच्चे 8वें महीने भी फारिग हैं, हम कितने पैसे लेते हैं? 20 लाख लेते हैं। लम्स वाले यानक कितने की लगाते हैं? ये जो यानक है कॉजेशन की वो 40 लाख में लगाते हैं। हार्वर्ड वाले 1 करोड़ की लगाते हैं, वो 1 करोड़ की यानक लगा रहा है, कोई 40 लाख की, GIK वाले 30 लाख की, अब वो MK लग रही हैं, और वो NET के बच्चे आए NET वाले 70,000 में लगाते हैं, वो जरा अच्छा काम करते हैं, सस्ता काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर है। आपकी फीस कितनी है? 4 साल की? 4 लाख। आपके लिए 2 से 2.5 लाख? 2.5 लाख, सस्ते माशाल्लाह। वो उसे क्योंकि महंगी यानक उतरती नहीं है, एक्चुअली सस्ती यानक जल्दी उतर जाती है। वो महंगी यानक जब उतरती है ना तो दर्द बड़ी होती है, चीखें निकलती है, चूंकि हम उतरने के प्रोसेस में है ना, अभी हमने बड़े पैसे खर्च किए हुए लम्स में और बड़े कई जगहों पे, तो वो इसलिए आपको मुबारक हो कि हाँ मुबारक हो, लग तो सबको रही है जिसमें कोई शक नहीं है, ऐनक सबको लग रही है, ऐनक सबको कॉजल लेंस की लग रही है, अमेरिका क्यों, पाकिस्तान क्यों, सऊदी अरब क्यों, चाइना क्यों, लेंस यही लग रही है कि चीज़ें, पैसे, असबाब, डिग्री, अमेरिकन एक्सेंट, इंग्लिश, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसके ऊपर फोकस है ना। तो अल्लाह ताला भला करे, इस एंड का नुकसान सर ये हुआ है डॉक्टर साहब कि ये जो है ना कहना ये बड़े बड़े खाब दिखा, जब भी आपने काम करना हो या ना कि ये कि जनाब स्टेट ऑफ द आर्ट काम करें, स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब ये होता है कि बेहतरीन, काफ़ी लंबा कैफे करना पड़ता है बेहतरीन। हम जब भी यूनिवर्सिटी बनाना चाहेंगे डॉक्टर साहब कहेंगे यार लम्स देखो, चल भाई आप देख के आओ, तो या वहाँ देख के आएंगे कहेंगे सर वो जो कुर्सियाँ लगी हुई हैं ना उनकी लकड़ी बेहतरीन है, उनका लेदर बहुत अच्छा है, ग्रीन बोर्ड इतनी से मंगवाए हैं, तो बेहतरीन के चक्कर में, ग्रैंड विजन के चक्कर में ये जो भी असबाब देखेंगे ना ये महंगे वाले देखना शुरू करते हैं।
इस ऐनक लगाए हुए लोग, इस ऐनक लगाए हुए लोग, मेरे पास ऐनक नहीं है, इस ऐनक में यहाँ भी पर्दा होता है, इधर भी पर्दा होता है, आगे भी, तो ऐसी ऐनक होती है ये जो कॉजल है, क्योंकि वो जो सेठों ने कहा सिर्फ ये देखना है, बताते इस ऐनक के लोग जब वो लम्स को देख के आ जाएंगे ना ये ऑर्डर को, तो उस महंगी चीजों की तरफ ध्यान देगा, महंगे कपड़े, महंगे बिल्डिंग, महंगे गाड़ियां, और वो ओवर एम्फेसिस ऑन प्लानिंग, वो अगले 5 साल की प्लानिंग पे एम्फेसाइज ज्यादा करेंगे, और उसके नतीजे में ये बात लगती है जरा बात मुश्किल हो जाएगी, कुछ चीजें उनका जो फोकस है ना वो चूंकि उन्होंने बेंचमार्क कर लिया हार्वर्ड को, MIT को, तो उनकी गुफ्तगू में ना भारी भारी अल्फाज आएंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट और अमेरिकन अल्फाज, वो उस गुफ्तगु में आप नोट कीजिएगा, जब आप ऐसे लोगों से मिलेंगे इंशाल्लाह जिंदगी में, तो वो बहुत भारी अल्फाज यूज करेंगे और एरोगेंस आ जाते हैं, और हमेशा इस चक्कर में होते हैं कि बहुत बड़ा कैसे किया जाए इसका, जल्दी में होते हैं, और उनकी जिंदगी में अगर कोई स्पॉन्टेनिटी और सरप्राइजेस आए तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो कहते हैं कि हमारी प्लानिंग ही के मुताबिक काम होता है। अब इस प्रोसेस का नुकसान ये होता है कि आप, हमारा मुहावरा है कि ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचे, राधा साहब परफॉर्म ही नहीं करती जब तक नो मन तेल ना हो, तो इस विजन के चक्कर में आपने लम्स और हार्वर्ड को बेंचमार्क बना लिया, आप उसको जो है बिजनेस मॉडल है वो तो बहुत महंगा हो जाएगा, और इतना महंगा हो जाएगा कि आप उस रिसोर्सेज को इकट्ठा ही नहीं कर पाएंगे, और जो पहला कदम था वो भी नहीं उठा पाएंगे, और पहला कदम फिर दूसरा कदम कैसे उठाएंगे, तो ये सारी की सारी प्लानिंग कागजों में रह जाती है, और अगर कहीं से फंडिंग एड मिल जाए, अगर कहीं से फंडिंग मिल जाए सर, तो उसका ऐसा बेमुहावा इस्तेमाल होता है कि वो बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बन जाती है, लेकिन उसके नतीजे में चूंकि मकसद नहीं क्लियर होता तो वो उस पुसा सा काम हो जाता है। तो ये इंटरनेशनल रिसर्च में अर्ज कर रहा हूँ, ये जो ऐनक है ना इसका ये मसला, इसी को हमारे उस्ताद हैं साइंस जिन्हें माशाल्लाह इमरान साहब ने अक्सर लोगों को पढ़ा दिया होगा, तो उसने ये कहा कि एक दूसरी ऐनक देखने वाली, और वो उसने कहा कि इंसान जब से पैदा हुए हैं ना वो बेसिकली उस ऐनक से देखते आ रहे हैं, और वो जो ऐनक है वो अल्लाह सुब्हान तआला ने लगाई, और वो कुदरती है, और वो चीज़ों को उनके सही पर्सपेक्टिव में दिखाती है, और वो आदमी बड़े ख्वाब तो देख लेता है लेकिन जब अमल की बारी आती है तो इंसान कहता है कि जनाब हमें वही काम करना चाहिए जो असबाब मेरे पास है, और वो यानी ये कहती है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर जितने भी अफराद बनाए हैं वो यूनिक हैं, वो मुख्तलिफ हैं, और हर आदमी के पास यूनिक और मुख्तलिफ असबाब मौजूद हैं, और यानी ये कहती है कि देयर इज नोबडी पुअर इन दिस वर्ल्ड, गरीब कौन है जिसकी फिक्र सो गई, जिसकी फिक्र खो गई, जो क्रिएटिविटी से महरूम है ना वो है गरीब, जो मेहनत इकबाल कहते हैं ना खुदी में डूबने वालों और अजमो हिम्मत वालों ने, खुदी में डूबने वालों और अजमो हिम्मत वालों ने इस आबजू से किए बहरे बेकरम पैदा, आबजू कहते हैं नदी, इस नदी से उन्होंने एक छोटी सी नदी से एक इनफाइनाइट समुद्र पैदा कर दिया, खुद ही में डूबने वालों और अजम व हिम्मत वालों ने, डिटर्मिनेशन और करेज वाले, खुद ही का क्या मतलब है, खुद ही के जो डेफिनेशन है ना लामा इकबाल की, कि जो आदमी जनाब वो अपने आप को पहचान लेता है और उसको ये पता चल जाता है कि इस कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह है, उसको ये पता चल जाता है कि मैं हूँ तो कमज़ोर लेकिन आई एम सो पावरफुल, और मेरे अंदर अल्लाह ने एक बेपाया ताकत रखी है, आप में से हर एक का लिखने का बोलने का सोचने का स्टाइल यूनिक है, अल्लाह ने हर एक को मुख्तलिफ स्टाइल दिया है मुख्तलिफ, हमारा एक स्टूडेंट है नबीना सलमान इलाही, अभी पढ़ रहे हैं हमारे पास आईबीए में, सलमान इलाही नबीना है, वो देख नहीं सकते, मैट्रिक किया, एफ ए किया, बी ए किया, एम ए किया, एम फिल किया, पी एच डी करता है, वो ब्रिल बुक्स से देखे पढ़ते हैं, और वो एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स भी करते हैं, और वो कहते हैं शाहिद साहब मैं पूरा कराची का मैप मुझे पता है, मैं वाइब्रेशन से, झटकों से, आवाज़ से मुझे पता है कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज़ है, और वो क्लास में आते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, इलेक्ट्रिक में उन्होंने जॉब दे दी,
के इलेक्ट्रिक में वो कस्टमर्स कॉल सेंटर को वो सुपरवाइज करता है, 100 बंदे उसके नीचे हैं, कहने के बेस्ट टीम अवार्ड मुझे 4 साल से मिल रहा है। मेरे नाबीनाओं की जो टीम है ना के इलेक्ट्रिक में, कॉल सेंटर हम मैनेज करते हैं, हमारी अखलाक, हमारी टाइमिंग्स, हमारी जिम्मेदारी। उसने कहा शाहिद साहब आप हमें हैंडीकैप मत कहें, वी आर नॉट हैंडीकैप्स। मैंने कहा वो कैसे? कहेंगे आप जो है डॉल्फिन को हैंडीकैप कहते नहीं, वो नहीं देखती। आप चंगादर को भी हैंडीकैप नहीं कहते, वो भी नहीं देखती। तो ये चीज़ें हैंडीकैप नहीं है, तो मैं भी हैंडीकैप नहीं हूँ। तो वो सलम को अगर मोबाइल को मैसेज करें, उनके पास एक सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल किया हुआ है, वो स्पेशल कोड नंबर में बोलता है, वो उसके बाद देख लेते हैं। वो क्लास में आते हैं, आप उनके SMS करें, ही रिस्पॉन्ड्स। उन्होंने स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है लैपटॉप पर, जहाँ जहाँ वो माउस फेरते हैं वो बोल के उनको पढ़ा देते हैं। ही कैन राइट, ही कैन रीड, ही कैन पावर पॉइंट, ही कैन डू प्रेजेंटेशंस। उन्होंने अपना ब्लाइंड एंटरप्रेन्योरियल सेक्टर खोला हुआ है। तो मैंने सलमान साहब से कहा, सलमान भाई अगर आपको अल्लाह ताला मौका दे दोबारा और आपकी आँखें ठीक हो रही हैं तो आप आँखें ठीक करवा लेंगे? उनके शाहिद साहब भी अल्लाह में जो काम आँखों वाले कर सकते हैं ना जी, मैं उनसे ज़्यादा काम बगैर आँखों के कर सकता हूँ। इस कायनात के खालिक ने इतना पोटेंशियल रखा हुआ है नाबीना में, बहरे में, गूंगे में। अमेरिका की बच्ची शी वॉज बॉर्न विदाउट आर्म्स, बाजों के बगैर पैदा हुई और जनाब बड़ी हुई तो उसके माँ बाप बहुत परेशान हुए कि ये क्या बनेगा। उसने पाँव से सर कलम पकड़ा और बड़ी हुई पाँव से चम्मच पकड़ा और बड़ी हुई स्कूल जाना शुरू कर दिया, टाइक्वांडो सीख ली। और बड़ी हुई तो उसने जनाब वो पाँव से गाड़ी चलाना सीख ली। 22 साल की उम्र में उसने हवाई जहाज बना दिया। शी इज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है जैसिका कॉक्स। टाइम थोड़ा ये इनसे ले लीजिएगा, जैसिका कॉक्स की वीडियो देखें। वो कहती है उससे भी यही सवाल पूछा गया, मैंने इससे इस सवाल से इंस्पायर होकर सलमान से पूछा था। जैसिका से पूछा गया बेटी बच्चे और जनाब अगर आपको दोबारा जिंदगी मिले तो खुदा ताला से बाजू मांगोगी? उसने कहा नहीं, आई डोंट नीड दैट, I am a source of inspiration for millions who have arms but who have lost hope. मैं उनके लिए उम्मीद हूँ जिनके पास बाजू हैं वो जिंदगी से मायूस हुए बैठे हैं। अरे अरी खुद ही निरूपने वालों और अजमो हिम्मत वालों ने इस आबजू, आप जो कहते नदी छोटी सी नदी, इस आबजू से कि बहरे में कराम कहता। तो जनाब अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें, अल्लाह में दो नंबर काम नहीं करते, सबको एक ग्रेड बनाया। All of us are A grades. तो इसी अलामा इकबाल का जो पूरा कलाम है ना वो खुद ही को समझने के ऊपर है, खुद ही को समझने के ऊपर है। और ये जो इफेक्चुएशन थ्योरी की सर बुनियाद है वो भी यही है। तो इफेक्चुएशन थ्योरी 2000 में पेश की गई, अलामा इकबाल ने ये बातें 1880 में कहीं, और अलामा इकबाल ने ये बातें खुद नहीं कहीं, उन्होंने कुरान से कहीं। और वो जनाब ये हमारे पास तो जब से इंसान बने आदम अलैहिस्सलाम से ये बात चल रही है। और हमारा ये इफेक्चुएशन थ्योरी ना वो ये कहती है कि आपको तो अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ चीज़ दी होगी, हर एक को ना कुछ चीज़ दी। तो आपने कोई कहानी पढ़ा नहीं, रॉक सैन वाले बच्चे हैं बैठे हुए, रॉक सैन कंपनी की कहानी पढ़ी हुई? अब आप बताओ बच्चों, तो मैं तो फिर रिपीट ही कर रहा हूँ चीज़ें, आप माशाल्लाह वाले डिट हो जाए। तो जनाब और बेशुमार अनीता परवेज की कहानी, एक इंडिया में होती है सर, एक झाड़ू पोछा, झाड़ू पोछे के काम के अंदर 1 बिलियन रुपये छुपे हैं, झाड़ू पोछे के बाद। वो अनीता परवेज साहब है, उसने मैट्रिक किया, डिप्लोमा किया साल का, और होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराती हैं, उसी की प्रिंसिपल बन गई। कमरों में स्कूल करते हैं ना सर, उसकी वो प्रिंसिपल बन गई। और वहाँ पर 8,000 रुपये मिलते हैं, उनकी एक बेटी है, बालिका बूढ़ी है, तलाक हो गई उनको, तो 8,000 में गुजारा नहीं होता। अपनी सहेली को मिलने जाती हैं एक बिल्डिंग में कि भाई हेल्प करो, सोचो क्या कर सकती हूँ। तो उस बिल्डिंग में ना उनका एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर तलाश कर रहा होता है, ऐसा आदमी जो वहाँ पर लड़ाई हो रही होती है एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर और जेनेटोरियल स्टाफ की, कि तुम देर से भी आते हो, हमारे मेहमान आ रहे हैं अमरीका से, गंदगी है, बदबू है। वो कहता है सर बारिशें हो रही हैं, ट्रैफिक जो है हमें बहाने बना रहा है। ये मैम मुझ को जाती कहती हैं सर कि आप मुझे मौका दें, मैं सफाई करा देती हूँ। वो अगले दिन अपने मोटरसाइकिल पर चीज़ें लाती हैं, एक जेनेटर को साथ ले आती हैं, वो फ्लोर साफ करा देती हैं। वो पूरा हफ्ता वो साफ रहता है, कुछ हफ्ते के बाद, कुछ दिनों बाद नीचे फ्लोर वाले कहते हैं कि यार बड़ी सफाई है,
ये किसने की इंक्री, मैम ने की, इनका मैम हमारा भी कर दो। वो 10-12 मंजिला बिल्डिंग है, उनको एक महीने में पूरा कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद मैम को और उनका वर्ड ऑफ माउथ कहता है, वर्ड ऑफ माउथ की जो मार्केटिंग होती है मेरी, इससे पावरफुल नहीं होती। और उधर कह जाता है और लोग भी आना शुरू हो जाते हैं। फिर कोई आदमी कहता है कि मैम ये हमारे इंटरनेशनल की सफाई का काम भी करवा देना, मैं वो भी कर देता। फिर कोई कहता है प्लम्बिंग का काम, वो कुछ डिप्लोमा ऑर्डर्स को लगती है प्लम्बिंग का भी करना शुरू कर देते हैं। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, सिक्योरिटी, वायरिंग, और करते करते 10 साल के बाद गोल्डन स्टार प्राइवेट लिमिटेड इज द वन डूइंग दिस कंपनी। अनीता नेवर डिड गो फॉर अ बीबीए, नेवर डिड एन एमबीए, उसने तो अकाउंटिंग की डिग्री नहीं ली, उसने तो मार्केटिंग का कोर्स ही नहीं पढ़ा। इसका यह मतलब नहीं कि पढ़ना नहीं, मतलब यह है कि अगर उसने बगैर पढ़े ये किया है तो वजह क्या है? वो प्रॉब्लम क्या है कि इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी वो आदमी कह रहा है कि सर 30 लाख लग गए जीआईटी में, जवाब नहीं। वो मसला क्या है? वो सिर्फ पढ़ लेते। वो मसला ये है कि मैंने गलत लगी हुई है, वो ऐनक ऐसी गलत लगी और पैसे दे के लगवाई गई है, आपकी मर्जी से लगवाई गई है और आपकी खुशी से लगवाई गई है, और वो उसके अंदर कुव्वत अमल पैदा ही नहीं करती और उसको इतना मायोपिक और इतना मुख्तसर दिखा रही है। तो जनाब इसके मुकाबले इसको हम ये कहते हैं, मैं वैसे लाया तो नहीं कहते, इसको हम कहते हैं मेमन पने की ऐनक, चिरोटी बने की ऐनक। तो ये जो ऐनक है ना, मैंने प्यारे ये अब रॉक्सन कुंभी, हमने ना अभी वो ये पढ़ा रहे थे, तो ये रॉक्सन कुंभी से अमरीकी केस है। शी इज डिवोर्स विद टू किड्स, अमरीका बॉस्टन के करीब रहती है, पैसे हैं नहीं उसके पास, वालिद भी नाराज़ हैं, मियाँ भी छोड़ कर चला गया। अब वो जनाब बगैर पैसे के चलती है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि वो असबाब यानी इस ऐनक वाले, वो ना उस इस ऐनक वालों के नज़दीक पुराना सामान, पुराना साइकिल, पुराना फ्रिज, टूटा हुआ कमरा, इसकी कोई हैसियत नहीं, इसको कुछ समझते नहीं है। इस ऐनक वाले इन चीज़ों को उनको बेवकत समझते हैं, बेकीमत समझते हैं। और इस खातमा ने लकड़ियाँ, वहाँ वैक्स का ढेर पड़ा हुआ था जंगल में, बाबा जी अपनी हनी बी कीपिंग करते थे तो वैक्स का ढेर पड़ा हुआ था, पुराने वैक्स से लकड़ियों से उनका एक पुराना ट्रक था और वहाँ पर एक आरी थी। इन चीज़ों से ये इन चीज़ों की क्या कीमत होगी? पुराना ट्रक उधार लेना, एक पुराना टेलीफोन उधार ले लिया उन्होंने, इन पुरानी चीजें से, डिस्कार्डेड चीजों से लेकर वो रॉक्सन कुंभी साहबा चली हैं और 15 साल के बाद $1 बिलियन की कंपनी बन जाती है। महंगी चीजें आती हैं, इसके बाद तवे पर ना लिक्विड को रोटी बन जाती है, उसमें गोश्त पर रख के उसको शवारमा सा बना देते हैं। तो ये देखा कि तामिल लोग ये बेचते हैं और शॉपर अच्छे नहीं हैं, वो खुद क्लीन नहीं है, इनको क्या कहा कि हम ग्राइंडर खरीदते हैं और हम क्यों ना शुरू करते हैं। ग्राइंडर लिया, जो मेमन होता ना चिनोटी मेमन धोरा जी, वो कभी भी नई मशीन नहीं खरीदते। ये जो आदमी है ना, फॉर एग्जाम्पल रॉक्सन कुंभी की कहानी में केस में नहीं लिखा, वो कहीं और है कि जब रॉक्सन कुंभी देखती है मार्केट में कि बच्चों के कपड़े बिक रहे हैं तो वो सोचती है कि मैं भी कपड़े क्यों नहीं सीऊं। आप कपड़े सीने के लिए चाहिए होती है मशीन, तो रॉक्सन कुंभी जब मार्केट में पता चलती है कि अमरीकी जर्मन मशीन मिल रही है 800 रुपये, कोरियन मशीन मिल रही है 600 की, चाइना की मिल रही है 200 की, तो मेमन कौन सी लेगा? 200 की, लेकिन खराब हो जाएगी जल्दी, नहीं वो असली वाली यूज में रहेगा। ये वाली ये आने वाला कौन सी लेगा? लम्स हार्वर्ड आईबी के आने वाला कौन सी? 800 वाली। और दूसरे आने वाला कौन सा लेगा? 800 वाली यूज में लेगा जी, सेकंड है वो जनाब, शायद वो मेमन खरीदे गई। मेमन क्या करेगा फिर? वो जो रॉक्सन को भी साथ है ना, वो जिस टाउन में जाती थी जंगल से, वहाँ पर उसने देखा कुछ खुवातीन हैं जो बैठी हुई सिलाई कढ़ाई कर रही, वो उनको सलाम दुआ करती थी और आते जाते उनसे हो गई थी दोस्ती। तो जो मेमन होगा ना, वो क्या कहेगा? खाला बहन क्या हाल है, कैन आई बोरो योर मशीन फॉर 2 डेज? हिंग लगी ना फटकड़ी, रंग चोखा है। मेमन पना, चिनोटी पना, इफेक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं इसको। हैं देखो, पैसे से पैसा बनाना ये कौन सा कमाल है?
अगर मैं आपको $500 million दूं कि यार प्यारे भाई ये कारखाना लगा दो, आप क्या करेंगे? कंसल्टेंट रखेंगे, जी आई के इंजीनियर उठाएंगे, एनआईटी से लम्ब दे तो काम हो जाएगा। मेहमान बना तो कहते हैं कि पैसा कम से कम हो और फिर काम हो जाए। कमाल तो ये है वो क्रिएटिविटी, यानी खुद ही की में डूबने वालों ने और असलो हिम्मत वालों ने इस आग जोश किए बहरे बेकदम कर रहे। ये क्या होगा जनाब, लाखों रुपया मिल गया जनाब, आपने बंदे हायर किए हैं डग डग का, इसको भी हम सलाम करेंगे, लेकिन यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। तो जनाब उसने 12 की मशीन पर दो कितने कपड़े सिए, 50 कपड़े, 40 कपड़े, 100 कपड़े। मेहमान क्या करे, दिन रात कपड़े सिए। मेहमान जो है ना जी, दो तीन जोड़े सिए और कितने धान खरीदेगा, कोई भी थाने वो कट पीस लेकर आएगा, वो कट पीस लेकर आएगा और उसे और उसका पहला कस्टमर कौन होगा, उसके अपने खानदान में होगा, उसके अपने दो तीन बच्चे थे, उसने कट पीस के लिए सिलाई मशीन उधार की, कपड़े कट पीस के और तीन दो बच्चों को जोड़े पहनाए और उस माँ को बड़े अरसे बाद अपने बच्चे को अच्छे कपड़े पहन कर बड़ी खुशी हुई। और एक आध जोड़ा वो मार्केट में ना कैंडल्स बेचने जाती थी, वो कपड़े लेकर गई ना, वो हाथों हाथ बिक गए और वहां से उसको ये पता चला कि ये सिलाई उसके अंदर छुपी हुई थी। शी वॉज ए ग्रेट फैशन डिजाइनर, शी हैड ए ग्रेट इंस्टिंक्ट्स ऑफ डिजाइनिंग इन कलर्स। उसके अंदर ये सिलाई उजागर ही नहीं हुई थी, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी ने इसको इंकरेज ही नहीं किया था, एक्सपेरिमेंटेशन ही नहीं हुई थी। वो पावर पॉइंट देते चले आए थे बोल 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 के कॉन्फिडेंस के नाम पर, इसको कॉन्फिडेंस नहीं कहते। अलामा इकबाल कहते हैं, औरों का है कलाम और मेरा कलाम और है, इश्क के दर्द मन का तर्ज कलाम है, जो जुनून में नहीं डूबा हुआ ना वो जितने मर्जी अंग्रेजी बोल रहे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो जितने मर्जी रेग्रेशन और मैथमेटिकल मॉडल्स लगा ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे तुम्हारा जुनून और इश्क अपने काम से तो मत करो। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तकलीफ की थी एक बार अलामा खुतबा, उनका है अलीगढ़ लंबी कहानी होता है कि जो टाइम हमारे पास भी एक बजे खत्म करना सर, हाँ जी बीच में डाले तो प्लीज स्टे विद मी ओनली 20 मिनट्स, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे सही बात करा दे। तो अब उसको ये पता चला कि इसकी जो मार्केट है ना रॉक्सन को, ये दूसरे शहर में भी ये हरिपुर में भी टैक्सल में भी बेच सकते, तो आप ये बोले और मुझे उसके लिए गाड़ी चाहिए, ये सैनिक वाला क्या कहेगा, वो नहीं यहाँ शहर जोर खरीदो यार, नहीं 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 ट्रक खरीदो, ये क्या कहेगा। उसने देखा कि बाबा जी जो है ना वो जहाँ से मैंने वैक्स की थी उनका एक ट्रक खड़ा देता है, उनका अंकल कैन आई बॉर्डर योर ट्रक, उन्होंने क्या कहा ठीक है ले लो पैसे डाले ना, वो उसे ट्रक उठा लिया, पेट्रोल डलवाया, दूसरे शहर में कई चीज़ें बेची और बाबा जी को पेट्रोल के पैसे दे दिए, बड़े इंसानियत वहाँ उसको उसके जब प्रोडक्ट बिकने लगे। तो एक आदमी बॉस्टन से आया न्यूयॉर्क से, कुछ लोग आए कि मैम वो आप तो जंगल में रहती हैं, वही वी वांट टू टॉक टू यू, वी यू डोंट हैव एनी टेलीफोन, हम कैसे ऑर्डर दिया करें। अब रॉक्सन को भी सर रहा नहीं ये हमें कहनी होती, तो क्या कहें पीटीसीएल से रहा, उस वक्त मोबाइल फोन नहीं थे, 85 की गाड़ी थी, तो पीटीसीएल से रहा करूँगी लाइनें बिछेंगी और उसमें 10 साल लगेंगे। इसको यह ख्याल आया कि जब मैं गांव में जाती हूँ ना बच्चों का सामान लेने खाने का, तो वहाँ का जो जनरल स्टोर है ना उसके पास टेलीफोन है, ये उसके पास नहीं, कहने की भाईजान भाईजान हमने एक जबरदस्त काम शुरू किया है, एंड आई एम हेल्पिंग द पुअर एंड आई एम हेल्पिंग द वुमन टू स्टार्ट टू मेक सम मनी, और जितने भी मेरी प्रोडक्ट्स हैं ना सारी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ भाईजान, आप मुझे जानते ही हैं ना, तो आप मुझे हफ्ते में 2-4 टेलीफोन आया करेंगे लेने, तो क्या कहेंगे भाई, उन्होंने कहा ठीक है मुझे डायरी पेन पकड़ा दिया। यानी अब लुक एट द ब्यूटी कि ये जो कंपनी स्टार्ट हुई है ना, गाड़ी अपनी ना टेलीफोन अपना ना रॉ मटेरियल अपना, और नहीं लगी ना पटपटी रंग चुका है टाइम थोड़ा कोई अब लाइक मोर देन 1000 स्टोरीज। लोग कहते हैं कि सर ये कहानी अमेरिका में चल सकती है, पाकिस्तान में नहीं चल सकती,
पाकिस्तान में वहां पर ऐसा बाबा मिल जाएगा जंगल में झील होगी तो यहाँ कोई बाबा नहीं मिल सकता तो वो हमको सौ की पाकिस्तानी कहानी सुनाते हैं उसके बाद सबको बाहर उठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी सर हमने एक्सपेरिमेंट किया कराची में यूनाइटेड नेशंस ने हमें कहा कि इतनी बेरोजगारी फैली हुई कराची में और इतनी लामानियत है तो लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट और हमने एक्सपेरिमेंट ये किया कि ऐसे 200 गर्ल्स जिन्होंने मैट्रिक किया हो और जिन्होंने 6 महीने साल डेढ़ साल का कोई कोर्स किया हो डिजाइनिंग फूड क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग आईटी और बॉयज मोटरसाइकिल मैकेनिक गाड़ी वेल्डिंग मशीनिंग प्लास्टिक का काम ड्राइंग डिजाइनिंग इलेक्ट्रिकल कोई भी हल्का सा भी किया हुआ होना 18 साल से कम हो 18 से 28 साल की हो उनको आईडी हो और उनको ये प्रोसेस हो जाएगा रॉक्स एंड मुर्गी की तरह की हमने 50 कहानियां सुनाई उस 50 कहानियों के बाद उस कहानी सुनाने से पहले हर को क्या कह रहा था मर गए लौटे गए बर्बाद हो हुकूमत खराब है हुकूमत हमें कुछ नहीं पता हम बर्बाद हो गए लुटे गए फलां 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 अल्लाह के फजल करम से अल्लाह का गैर निज़ाम से जब ये पूरा ये 50 कहानियाँ इस मॉडल की सुनाई गई हर एक को नजर आने लगा कि मेरे अंदर बहुत कुछ है बहुत कुछ है और तीसरे महीने से 80% ऑफ देम आर मेकिंग 10,000 to 50,000 रुपीज असल में कहानी इतनी ज़्यादा है अल्लाह से दुआ करें कि मैं आपके रेलिवेंट फुट में जो जहन में आता है सो मच अल्लाह से दुआ करते हैं मतलब एक फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा आया कि अल्लाह जी मैंने रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का कोर्स कर रहा हूँ तो वो तो थ्योरी याद कर रखे रहते हैं दो चार तो जब से ये कोर्स शुरू हुआ तो मैंने ये किया कि अपने मोहल्ले के एयर कंडीशनिंग के पास जाकर थोड़ी देर बैठना शुरू कर दिया और उनको कहा कि सर आपको कोई भी काम हो तो ये मैं हाजिर हूँ मैंने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया हफ्ता ही गुजरा अब बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा हो इंटेलिजेंट हो तो मैकेनिक जो अनपढ़ से बहुत बेहतर काम कर सकता है उसने हफ्ते 10 दिन में उसने क्या किया घर आकर खाला मामू पप्पू को क्या कहा कि अंकल आंटी आपके घर में कोई भी फ्रिज एसी हो तो मैं उसको फ्री करूँ मेमन फ्री काम करता हूँ शुरू ये याद रखा हम चिलोटी मेमन धो ये स्टार्टअप यूज कर रहा हूँ अल्लाह ताला ने हर एक को यह बनाया ऐसा तो वो उसने जनाब मोहल्ले में 5-6 लोगों को मुफ्त ठीक किया और सही ठीक किया तो फिर क्या हुआ बस आपकी अम्मी खाला आपसे सेटिस्फाई हो जाएंगे तो खाला कितने लोगों को बताएंगे आज की खाला है फेसबुक पे बैठ तो 200-300 लोगों को पता चल गया अब जनाब उस बच्चे ने तीसरे चौथे हफ्ते में ही 5,000 रुपए की किट खरीद दी एयरकंडीशनिंग अपने 500 रुपए के विजिटिंग कार्ड छपवा दिए और जनाब उस महीने में तकसीम कर दिए और महीने का 15-20-25-30,000 लगाना शुरू कर दिया ना दुकान लेनी पड़ी ना दुकान लेनी पड़ी ना बीबीए करना पड़ा ना मार्केटिंग का कोई कोर्स पढ़ना पड़ा ना फाइनेंस का कोई कोर्स पढ़ना पड़ा ना टेक्नोलॉजी का कोई कोर्स पढ़ना पड़ा और उसकी ज़िंदगी में चेंज आ गई वो सुबह वो जल्दी उठता है वो सब इसको इस प्रोसेस पे चलने वाले ना जी 90% लोग नवाजी भी बनते ये भी अजीब शाम उसकी वजह क्या है वो उसके ऊपर रिसर्च पेपर आ चुके हैं कि इस राह का जो मुसाफिर होगा ना एक्चुएशन का वो खुदा ताला के करीब होगा अजीब शाम और उसकी वजह एक तो ये चंद एक वजूहत जो हमें समझ में आई है एक तो बताइए कि छोटे छोटे काम करता हूँ तो उसमें ना आजी नंबर वन और सीखने की सलाहियत नंबर टू इस जर्नी में सरप्राइजेस बहुत होते हैं अचानक कोई कस्टमर मिल गया अचानक कोई चीज़ हो गई अचानक कोई चीज अभी हमारे पास 3 लड़के आए पार्क स्विस ट्रेनिंग सेंटर कराची उनको जब हमने ये थ्योरी पढ़ा दी उनका कहा सर ये हमारे एरिया में आपकी थ्योरी नहीं चल सकती क्योंकि सर एक लेथ मशीन मिलती है 5 लाख दो लेथ मशीनें चाहिए जगह चाहिए इस कारोबार को शुरू करने के लिए चाहिए 15 लाख रुपये तो 15 लाख रुपए होगा तो काम होगा ना उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट ही है लेकिन जब वो कहानियां बढ़ाते चले गए इमरान साहब वो 5-6 हफ्ते में वो बच्चे आए खुशी खुशी कहने के सर हमारा काम बगैर पैसे के शुरू होते हैं बगैर पैसे वो कैसे चाहिए कितना दे 15 लाख कैसे उनका सर हमने लोगों से बातें करना शुरू की और अपने इलाके में कहना शुरू किया
कि आपको कोई लोहे का पुर्जा बनाना हो, मशीनिंग करानी हो, हमसे रब्ता करो, आपको करनी हो हमसे रब्ता करें। और उनका किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। फिर हम एक मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास बैठे, रिपेयर करा रहे थे। हमने कहा कि यार आपके पास कोई ऐसा पुर्जा नट बोल्ट जो बहुत मुश्किल हो, हमें बनाए, हम बनवा देते हैं। उसने कहा ये नट है 55 रुपये का आता है और ये सही नहीं है, मोटरसाइकिल में पीछे लगता है, अक्सर टूट जाता है, ये अगर तुम बना दो तो। ये वहाँ से नट का सैंपल लिया और ये लोगों से पूछना शुरू किया कि कौन बना देगा, कहाँ से बनवाया जा सकता है, मशीनें तो अपनी है नहीं, इसमें मशीनें तो अपनी है नहीं। तो लोगों ने पूछना कर दी, ये पहुँच गए PCSIR कराची में। ये हम इस कोर्स में ना इन बच्चों को डिस्कस करना, लोगों से मिलना भी सिखाते हैं। ये PCSIR वह पहुँचे और वहाँ हमने कहा कि सर आपके पास बहुत मशीनें हैं। उन्होंने ये सरकारी मशीनें हैं, यहाँ पर तो नहीं, तो वहाँ इनका ये अपने प्रिंसिपल साहब के पास पहुँच गए पार्क्स में। उन्होंने कहा बेटो हमारा एलुमना ही है, कुछ एलुमना ही ने अपना बिजनेस शुरू किया, हम उनके पास जाओ और उनसे बात करो। ये उनके पास पहुँचे और कहने लगे सर ऐसा है कि हम आपके इदारे के स्टूडेंट्स हैं, ये हमें एक ऑर्डर मिल रहा है, हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, कैन वी बोरो योर मशीन फ्रॉम 9 to 11 ऑन सैटरडेज, कैन वी बोरो, क्या हम आपकी मशीन तो बंद हो जाती है सर, आप बंद करते हैं 9 बजे, सर अगर आप एक मशीन खुलवा दें तो एक सिक्योरिटी का बंदा बिठवा दें, उसके थोड़े से पैसे हमसे मिल लें तो हम वो 2 घंटे हमें दे दें। उसने जब इन बच्चों की धड़क देखी, उसने कहा यार तुम तो मेरे इदारे के हो तो मैं आपसे पैसे नहीं, तुम जुमे को भी आओ, हफ्ते को भी आओ, इतवार के भी आओ, ये मशीन बगैर पैसे के इस पर एक्सपायर। उन्हें वो नट बोल्ट बनाया और वो नट बोल्ट के लिए उनको मटेरियल चाहिए। वो कराची की जोड़िया बाजार पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने मटेरियल पता किया, मियाँ वाला महंगा था। अब मेमन बना भी पैसे के बगैर काम करना है, वहाँ से कबाड़ में 3-4 रुपये किलो पुराना लोहा ले आए, उसको ला कर मशीनिंग की, उसकी कोटिंग की और वो 3-4 दिनों में लेकर उस मकैनिक के पास पहुँचे। उस मकैनिक ने कहा भाईजान अपने मोटरसाइकिल पर टेस्ट करके देखो, इन्होंने उसको लगाया और 2 हफ्ते तक वो कायम रहा, टूटा नहीं। अब उसको 200 का ऑर्डर, अब 200 का ऑर्डर लेकर उसी के पास पहुँचे, सर हमें ऑर्डर मिल गया है, आप इसमें से कुछ हिसाब दे दें, आप अभी अपनी मशीनें इस्तेमाल करने के पैसे दे दें। उस अगले ने नहीं यार तुम अभी बच्चे हो, ये फ्री लो, तुम्हें और बड़ा ऑर्डर मिलेगा ना, फिर हम सोचा। अब ये देखिए कि ये उसी, ये अभी जिस ताज़ा बात है, ये अभी यानी पिछले 3 महीने है, नवंबर अक्टूबर दिसंबर, ये इन्हीं दिनों के तो, यानी वही बच्चे जो नाउम्मीद थे, जो मायूस थे कि 3 साल का डिप्लोमा वर्थलेस है, इसमें कोई जान नहीं है, उसी बेजान चीज़ों में जान आने शुरू। हमने कोई इनको मैनुफैक्चरिंग थोड़ी सिखाई, हमने इनको 50 वाकयात सुनाए, 50 स्टोरी टेलिंग की है, क्या मेरे अजीज बच्चों बेची हो, तुम्हारे अंदर एक जहां आबाद है, तुम्हारे अंदर ऐसे वॉकिंग की 200 स्टोरीज। हमारी स्टूडेंट है सुनहरा, उन्होंने यूट्यूब से देखा और फाउंडेंट केक्स बनाए हैं, ऐसा केक लंबी कहानी केस लिखा हुआ है, वो जनाब 5-6-7-8 लाख रुपये महीने पर पहुँच गए, एक एक केक 30,000 का बिकता है। उनके मियाँ ने जॉब छोड़ दी, वो जनाब मार्केटिंग और डिलीवरी और फाइनेंस वो देखते हैं, क्रिएटिविटी 7-8 बच्चियाँ हायर कर ली, मतलब कहानी लंबी है। तो शुरू में आपने किचन को यूज़ किया है, हींग लगे ना फटकड़ी लम चोड़ा, तो ऐसी प्रोफेसर भी, हमारे डॉक्टर्स भी, हमारे बच्चे भी, ये हमारे अंदर एक बेपाया रिसोर्सेज हमारे इलाके मौजूद है। अब वो मस्त से ऐनक है, ये ऐनक क्या कहती है, निकम्मे नालायक गंदे जर्म्स गंदगी, वो भाई वो जंगल पानी, वो आप उसको ना छोटा समझ रहे हैं। और जनाब ऑनलाइन कोर्सेज भी हमारे अवेलेबल, हाँ जी आप वो मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम छोटा लग रहा है, उसी के अंदर 10 लाख छुपे, उसी के अंदर करोड़ों रुपये छुपे हुए, एंटरप्रेन्योरशिप जितनी निर्माण से होगी इतनी छोटी चीज़ों से होगी। तो इसलिए वो ऐनक अभी 3 भाइयों ने वो जो डोसा बेचना शुरू किया है जी, और पैकेजिंग बेहतर की है, ये बॉम्बे कलकत्ता और फिर फैलते फैलते शारजा अबू धाबी, हत्ता कि वो वक्त आया जब यूनिलीवर इंडिया ने कहा कि वी आर रेडी टू पे यू 1 बिलियन INR, 1 अरब रुपये देने के लिए तैयार हैं जनाब। अभी हमें ये इनके वाटर बैटर है, इसके अंदर ये लिक्विड है, ऊपर ढकना खोलें और इसमें कढ़ाई में गिराएं तो ये आपको मुफ्त चीज़ें मिलती है। और बेशुमार नाश्ते के प्रोडक्ट्स हैं दुबई में, शारजा में, और सब ये तीनों भाई हैं डॉक्टर साहब, इन्होंने एक अजीब बात कह दी, ये
ये कहते हैं कि इनसे जब पूछा गया, ये हार्वर्ड ने केस लिखा हुआ, इनसे जब पूछा गया कि आप बताओ बच्चों, जाफर साहब आप ये बताएं कि आप ये बिजनेस कर क्यों हैं, उन्होंने कहा कि हम बिजनेस इसलिए कर रहे हैं कि हम पूरी दुनिया के इंसानों को ये बताना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया के इंसानों को ये बताना चाहते हैं कि सूद के बगैर भी कारोबार किया जा सकता है। कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना, जहां शराब बिकेगी हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, ये केस में लिखा हुआ है। और बड़े बड़े जो होटल्स हैं उनसे इन्होंने माजत कर ली कि आपके यहाँ शराब बिकती है तो हमारा प्रोडक्ट आपके नहीं बिकेगा। तो ये एथिक्स की, वैल्यूज की, ईमान की कहानियाँ हैं। ऐसे हमारे ये लाहौर में हमारे साथ दोस्त हैं, ये गनी ग्लास, अजीब आदमी इम्तियाज साहब, ये जो ये छोटे से स्टार्ट किया करते 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 माशाल्लाह मिलियन डॉलर कंपनी बन गई है। और गनी ग्लास, मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था लाहौर से कराची, तो मेरे साथ उनके एक एम्प्लॉय बैठा, तो उसने मुझे देखा पढ़ते हुए, उसने कहा कि सर आप पढ़ाते हैं, मैंने कहा जी, तो तारुफ हुआ, कहने जी मैं गनी ग्लास में, कहते जो मैंने थोड़ी सी उससे बातें की हैं अपनी, उसने कहा कि सर जो आप बातें कर रहे हैं ना ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ इसको फॉलो करते हैं। तो मैंने कहा वो कैसे, कहने की हमारी जो ओनर है ना वो उनके जो बेटे हैं वो अल्लाह ताला ने उनको वो खूबियाँ दी हैं कि वो हमारी पूरी कंपनी की ट्रेनिंग जो है कफायत शाही, सादगी, आर्जी, इंतसारी और थोड़ी चीज़ों से काम करना है, कि ये पूरी ट्रेनिंग कंपनी को ट्रेनिंग मिली हुई है। और उसकी बुनियाद पर जो भी चीज़ अगर 10 मिलियन डॉलर की होना तो हमारे इंजीनियर 3 मिलियन डॉलर की वो बना देते हैं। और दुबई में शारजा में जो हमारा प्लांट है वो हम उसकी कंसल्टेंसी कर रहे थे, उन्होंने खुश होकर उनकी शारजा के अमीर ने इम्तियाज साहब को कहा कि मेरे साथ पार्टनर बन जाएं। और जो जर्मनी वाले जो कीमत कोट कर रहे थे ना, हम 1/4 पर चले जाते हैं, यानी वी विद द राइट लेंस। और अजीब बात यह है कि इम्तियाज साहब ये अगर आप पढ़ें, शायद आई थिंक फिलियर्स, इम्तियाज साहब से जब पूछा गया कि सर आपकी व्हाट इज द रीजन फॉर यू डूइंग बिजनेस, आप बिजनेस कर क्यों रहे हैं, इस इदारे की वेबसाइट पर गए थे और इस वन ऑफ द मिलियन डॉलर कंपनी इन पाकिस्तान, इस इदारे का मकसद ज़िंदगी के हर शोबे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को जिंदा करने की कोशिश करते हुए एक मिसाली नमूना लोगों के सामने पेश किया। इसकी कंपनी का जो मेजरमेंट क्राइटेरिया है जी, आपसे शेयर किया, इस कंपनी का जो मेजरमेंट क्राइटेरिया है वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देते। इम्तियाज साहब कहते हैं कि मेरी कामयाबी का राज ये है कि मेरी कंपनी के 100% लोग नमाजी हैं। इफ देयर 100% माय कंपनी सक्सेसफुल, हम 75% पर पहुंच गए शायद साहब। पूरी कंपनी को टारगेट मिला हुआ है, ना हमने यूबीएल से लोन लेना है, ना हमने मिजान से लोन लेना है। हम इस्लामिक फाइनेंसिंग पर भी बिलीव नहीं करते, जो मेमन बनेगी आना गाना वो यहीं से पीछे दिखा देती है। और उन्होंने कहा कि हमने गलती से ले लिया था इस्लामिक फाइनेंस का लोन मिजान से, विच इज शरिया कंप्लायंट अकॉर्डिंग टू मेनी स्कॉलर्स। नहीं यार ये तकवा तो उस मायार पे नहीं है। तो इन्होंने सारी टीम को बुलाया, सबसे मशवरा किया और सब ने तय कर दिया, इनकी मीटिंग्स मस्जिद में, कारखाने के सेंटर में मस्जिद है, गोरा और जर्मन भी आएगा, मेजर मीटिंग मस्जिद के अंदर होगी। और सो जैसा में वो अपना 30% टाइम बिजनेस को देते हैं, 70% टाइम तबलीग में जाते हैं। इम्तियाज साहब जो हैं वो कहते हैं कि मेरी कामयाबी का राज ये है कि मैं और मेरे बेटे साल में 15-20 दिन पैदल जमा के टाइम स्पेंड करते हैं। हम ज़मीन पर ईंट नीचे रख कर सोने की मेरे और मेरे बच्चों को उसकी, हमने अपने आप को, ये कराची आए हुए थे उनको आई बी एम में मैंने बुलाया, एक करोड़पति CEO पाकिस्तान का एज ए बेस्ट स्पीकर हमने बुलाया। तो इम्तियाज साहब ने तकरीर शुरू की, कहने लगे मेरे प्यारे बच्चों मुझे समझ नहीं आ रही थी मैंने बात क्या करनी है, मैंने अपने ड्राइवर से मशवरा किया, ड्राइवर साहब मुझे बताओ मैं क्या बात करूँ। तो जनाब ये ड्राइवर इतना इम्पोर्टेंट है, ये इस एनक वालों को पता चलता है कि अल्लाह ने हर एक को यूनिक बनाया है। हमारा ड्राइवर भी, हमारा कैमरे वाला भी, हमारा बस वाला भी, हमारी मासी भी यूनिक है, हर एक साहिबान इलम में से है। तो बाबा जी को ड्राइवर ने क्या मशवरा दिया, बाबा जी को मिले
ان بابا جی نے کہا کہ ان بچوں کو پیغام دیں تم سب جیسے گلاب کا پھول خوشبو دیتا ہے اور لوگوں کے لیے مسرت کا باعث بنتا ہے. اے بارگاہ آئیے کہ بچو تم بے مقصد پیدا نہیں ہوئے, ایسی زندگی گزارنا کہ لوگوں کے لیے سرابہ محبت اور ہمدردی اور خوشبو بڑھنا. یہ ڈرائیور کا پیغام سے بہت شکریہ. ہر بندہ اتنا قیمتی اور پاورفل ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جناب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈگریاں بھی لینی بیٹھا, اللہ تعالیٰ آپ کی شادیاں بھی جلدی کرے. ابھی ابھی میں امریکہ میں تھا سر, وہاں پہ تو وہاں پہ نا ایک کتاب لے کر آیا ہوں, مارمنز وے آف ڈوئنگ بزنس. مارمنز جو ہے نا جی بچے ویسے خوش ہو گئے ماشاء اللہ, وہ مارمنز وے آف ڈوئنگ بزنس تھے. مارمن ایک امیرکنس کا قبیلہ ہے, یوٹا یونیورسٹی ہے, یوٹا اسٹیٹ, اور یہ میرٹ ہوٹلس کے مالک ہیں, امریکن ایئر ویز کے مالک ہیں, بڑے امیر لوگوں کا گروپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری کامیابی کا راز یہ ہے, ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ اپنے بچوں کی شادیاں 18-20 سال کی بند کر دیتے ہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, دے فیل مور ریسپانسبل, دے آر مور فوکسڈ. اور ابھی ماشاء اللہ میری میں پڑھا رہا ہوں بی بی اے میں, تو میرے اسٹوڈنٹ ہیں پانچویں سیمسٹر کا, تھرڈ ایئر کا, الحمد للہ اس کی شادی ہو گئی, اس کی بیگم نے 11 کی ہے ماشاء اللہ. یعنی تو ہم دس از آلسو پارٹ آف انٹرپرینرشپ, یعنی یہ بھی ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ جناب یہ ایم اے ایم ایس سی ایم بی اے آدمی اس کا ویٹ کرتے کرتے ہماری بیٹیاں بیٹے ان کو ہماری پوری ورک شاپ ہے جو ہمارے بچوں کو ہاؤ ٹو پریپیئر یور سیلف ٹو بی اے گڈ ہسبینڈ اینڈ ہاؤ ٹو پریپیئر یور سیلف ٹو بی اے گڈ وائف, یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے, اور یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, ہم دنیا میں وی آر ناٹ لائک علامہ اقبال نے کہا تھا, یعنی میں سر کیا کہوں, یہ بڑے درد کی داستان ہے. درد یہ ہے کہ یہ جو پورا سوشل سائنس ہے نا, سوشل سائنس کے بھی لوگ ہیں کچھ, اینڈ ایگریکلچر بایولوجی انجینئرنگ والے کمپیوٹر سائنس والے تھوڑا سا بچ جاتے ہیں, لیکن دوسری جو ہوا ہے نا ان کو وہ بھی اینک یہی لگاتے ہیں. تو سوشل سائنس میں جو انسانوں کی پیدا ہونے کا مقصد ہوتا ہے, کیا لکھا ہوا ہے سر, علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس کو تو میں سائنس مانتے ہیں. اقبال لکھا ہے, اقبال کی نظم ہے فنون لطیفہ آرٹس کے بارے میں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو سائنس اس لیے نہیں مانتا کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد اگر آپ پڑھیں گے اتنا بھیانک ہے. وہ یہ کہتے ہیں, دا پرسوٹ آف ہیپینس از دا پرپز آف مائی لائف, میری زندگی کا مقصد خوشیوں کی تلاش ہے. خوشیوں سے کیا مراد ہے, جس چیز میں مزہ ہے وہ خوشی, جس چیز میں تکلیف ہو دکھ ہے تو آپ ہر وہ چیز کر سکتے ہیں جس میں مزہ ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. میں جرمنی میں پڑھاتا ہوں تو وہاں گیا تو وہاں لکھا ہوا تھا بہت بڑے بینرز میں چند سال پہلے, کینتھ ڈائن لمٹ, شراب کی بوتل اور بندہ بچہ لکھا ہوا اپنے لمٹس کو پہچانے. تو ہم نے کہا شراب پی کر کیسے پہچانے گا اپنے لمٹس, کیمپین چلا رہے تھے کیونکہ جرمنی از ون آف دا ہائیسٹ الکوہول کنزیومنگ نیشن, اور اتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور اتنے مسئلے کر رہے ہیں, کہ لمٹ پہچانے گی, لمٹ کیسے پہچانے گی, شراب پی کر کیسے پہچانے گی. تو انہیں وہ اے میرے عزیز بیٹے بچے اور دوستوں اور میرے فیکلٹی ممبر, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ سوشل سائنس ہو یا انجینئرنگ سائنس ہو یا کمپیوٹر سائنس ہو, اگر اس کی بنیاد صحیح نہیں ہے تو آنٹرپرینرشپ بھی مسئلہ کر جاتی ہے. علامہ اقبال نے جو نظم پڑھی تھی فنون لطیفہ میں, اس میں فرمایا تھا, اے صاحب نظر, اے صاحب نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن, اے دیکھنے والے تمہیں اینک تو بڑی اچھی لگی ہوئی, تم دیکھتے بڑا اچھا ہو, یاد رکھا لینا شیر بچے, اے صاحب نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ہماری جو زندگی کا جو مقصد ہے نا, یہ پرسوٹ آف ہیپینس نہیں ہے, یہ پرسوٹ آف دا ہیپینس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ہم اس کائنات کے خالق اور مالک کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں آئے. تو اس لیے اقبال کہتا نا, میں دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان میں ہوں. ہمارا جتنا سوشل سائنس نا ڈاکٹر صاحب, وہ پتہ کیا انسانوں کو کموڈیفائی کرتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کی 4 لاکھ قیمت ہے, یہ امریکن پاسپورٹ ہے, گورے بھی ہیں, امریکن ایکسنٹ بھی ہے, ان کے 8 لاکھ ہے,
तो हर आदमी की कीमत रहता है। कीमत की बुनियाद किसके ऊपर है? उसके रंग पर, उसके नेशनैलिटी पर, उसके अमेरिकन एक्सेंट पे। महंगे वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ने तो इसकी इक्वेशन है, तो उसकी कीमत लगाता है इसको देखकर। तो अलामा इकबाल ने 100 साल पहले यह कह दिया था, दियार मगरब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। खुदा की बस्ती इज नॉट, ये लोग हैं रूह और जिस्म के, दे आर नॉट फॉर सेल, इनकी कीमत नहीं है, दे आर नो प्राइस। ये कीमत से बालातर हैं, ये अल्लाह की कुदरत के शाहकार हैं। और तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप पर समरी इस पूरे मैसेज की, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह इसको कबूल फरमाए, वो ये है कि मेरे अजीज बच्चों अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे काम करें, अपने शौक और जुनून को पहचानें, अपने साथ ग्राम की ऐसी इज्जत करें। और हमारे लिए जो रोल मॉडल हैं वो इकबाल को पढ़ लें, उर्दू शायरी इकबाल को पढ़ लें, इंग्लिश को उतना जानने की जरूरत है जितना काफ़ी है, एक्सेलेंस उसको भी दे सकते हैं। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आईटी के जो लोग हैं उनको उसमें महारत हासिल करनी चाहिए, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं और हर शोबे के अंदर अपॉर्चुनिटीज। सर यहाँ पर ज़्यादातर आईटी वाले हैं, आईटी की कोई केस स्टडी आप? आईटी के तो बहुत सारी 50 कंपनियाँ बैठी हुई हैं, खैर ज़माना ही इनका है। आपने फ्री लेंसिंग है, आईटी एप्लीकेशन हैं, ऐप्स हैं और ईआरपी सॉफ्टवेयर हैं। और आईटी वालों को भी ये देखना चाहिए कि बहुत सारे आईटी वाले आईटी में अपनी मर्जी से नहीं आए, वो भेड़ चाल में आ गए, तो वो ये देखें कि वो खुद आए हैं या भेड़ चाल से। अगर वो खुद आए हैं और मज़ा आ रहा है तो उसको परसू कर लेंगे, और अगर वो भेड़ चाल से आए हैं तो डिग्री पूरी कर लें ताकि हमारी भी दाल रोटी चलती रहे प्रोफेसरों की, और वो उसको करने के साथ साथ बाकी पैशन देखें। हमारे साथ एक लड़का था मकैनिक, यू की मकैनिक, तो उसको मकैनिकल इंजीनियरिंग में नंबर अच्छे आए, लेकिन उसने कहा कि यार मेरा है नहीं, तो उसको मरने में एक दुकान नजर आई, जैसे दूध दही की दुकान खोली। तो शौकत साहब सेल्स योगर्ट एंड मिल्क इन लाहौर। तो ये अमेरिका में, यूरोप में, दुनिया में एक टर्म है ना, ये अपने आप को दिलाफ करना, डिस्कवर करना, इसे जो काउंसलिंग कर रहे हैं हम कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं। तो मुझे उनसे शदीद इख्तलाफ इसलिए है कि इंसान को पता नहीं कि उसने क्या करना, और अपने आप को तलाश करने में बहुत टाइम लगता है। मैं जैसे इंजीनियर हूँ, मुझे तो इलम ही नहीं था कि आई वाज अ टीचर, इट टुक लाइक 35 ईयर्स टू अंडरस्टैंड दैट आई वाज अ टीचर। तो इसका तरीका ये है, काउंसलिंग वालों से हम दरख्वास्त करते हैं कि आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करें, जो आई टी वाले हैं वो ऐप्स बना लें, ऐसे एक्सपेरिमेंट करें जिनका नुकसान कम से कम हो। तो ये हमें इमरान साहब पढ़ा देंगे, अफोर्डेबल प्रिंसिपल है। इस तरह जो हमारी बेटियाँ हैं, खुवातीन हैं, वो आई टी, टेक्नोलॉजी, बेकिंग, कुकिंग, काउंसलिंग, टीचिंग, मेंटरिंग, उन स्किल्स को स्टार्ट कर दें और 200 सीट से ला दें। और अभी हमारी गर्ल्स थी, उन्होंने कहा कि हम सर 1 लाख रुपये बना चुके हैं 3 महीने के अंदर। वो कैसे हुआ? अपने डिज़ाइनिंग स्किल्स यूज करके अपने मोहल्ले में 2-4 लोगों को दी। उसकी बहन कैनेडा में थी, उसने फेसबुक पर देखा, उसने कहा मुझे बनवा दो, उसने बनवाया, उसको 10 रुपये 15 रुपये। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, अभी से एक्सपेरिमेंट कितना रिस्क है? 4-5 रिस्क है। तो इसी तरह अमेरिकन मॉडल में, जर्मन मॉडल में और हमारे इंडिजिनस मॉडल में हम बच्चों से ये कहते हैं कि इन 16 साल से लेकर 26 साल तक आप एक्सपेरिमेंट करते चले जाएँ, और वह छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हों। और आप अम्मी अबू फैमिली बिजनेसेस में हैं तो वहाँ से एक्सपेरिमेंट कर लें, जिनके नहीं हैं तो ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मुर्गे रखे, हम तो 10 साल से आप छत के ऊपर 10 मुर्गियाँ रखें। हम तो ये इट्स नॉट जोक एक्चुअली, हम तो ये कह रहे हैं कि जहाँ पर भी जिसका जुनून और शौक है, हमारे कराची में मेरा लम्स ग्रेजुएट स्टूडेंट, उसने सर कोई 50,000 की इन्वेस्टमेंट से छत पे तोते और पिंडे रखे, और वो माशाल्लाह चल पड़ा, वो महीने का 25,000 बना रहा, जॉब ही करता है और 25,000-30,000 का बनाता रहे फवाद साहब ऑस्ट्रेलिया में। तो ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते रहे, इन्हीं से चीज़ निकले। सर हमें जो आई टी में ज़्यादा इशूज आते हैं, पाकिस्तान में आई टी में लोग इन्वेस्ट नहीं करते सब। हम मैं बचपन से सॉफ्टवेयर सीडी का डाउनलोड करता हूँ 30 रुपये की सीडी में, यहाँ पर जितने भी अच्छे सॉफ्टवेयर बन जाएं वो माइंडसेट नहीं बन रहा। तो अगर आप इसमें जनाब, आप हमारे खातून है हमारी आई बी ए के अंदर, वो माशाल्लाह 25-30-40 लाख रुपये महीने पर पहुँच गई, तो उन्होंने जर्मन मार्केट को टारगेट किया और पहले फ्री काम किया, इतना अच्छा काम करके दिया, बहुत अच्छा लगा। तो शुमाइला साहब हैं, वो पूरा सारी पर्दा भी करती हैं, और उनके हस्बैंड जो हैं वो डेफ एंड डम हैं, कंप्यूटर साइंस के ही किया हुआ है। दोनों मियाँ बीवी ने हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में स्टार्ट किया, 2-4 फ्री काम किए, उसके बाद वो करते करते फ्रांस, जर्मनी, वियतनाम के ऑर्डर मिलने शुरू हो गए,
और इंक्यूबेशन सेंटर में एक साल रहे हैं, अब वो अपनी कंपनी खोल दी। अभी हमारी यूनिवर्सिटी ने इंक्यूबेशन ये बिग जो ओपन हुआ है, तो इससे काफ़ी एग्जैक्ट इसमें इंक्यूबेशन सेंटर का इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा। उसमें हुआ ये कि वो हमारे बच्चे सैनली लाया था, उसने वहाँ इंक्यूबेशन सेंटर की तस्वीरें खींच के दुबई के कुछ लोगों को दी कि हाँ यहाँ बैठ के काम कर। उन्होंने जब आई बी का इन्वायरमेंट देखा, उनको ये पता चला कि तो क्रेडिबल लोग हैं, भागने वाले नहीं हैं। उनको सैंपल ऑर्डर दिया, एक बनाया, दो बनाया, दस सन्नी लबाब एक आदमी था सर, एक आदमी आया था, 20 बंदे आए। और दो साल के बाद वो अपनी कंपनी खोली भी उसने दूसरी जगह को, तो वहाँ का दफ्तर इन्वायरमेंट हाइपर यूनिवर्सिटी की तस्वीरें वेबसाइट पर लगेंगी, आप फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे, क्रेडिबिलिटी बनेगी, काम भी अच्छा होगा, काम भी अच्छा होगा। और उसके अलावा फिर जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं जिनका दिल नहीं लग रहा, हमारे आई बी ए में भी सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सी एस में आ जाते हैं, वो जाना चाह रहे थे बी बी ए में, उधर दाखिला नहीं हुआ, उधर चले गए, पैसे भी दिए, तीसरे चौथे पाँचवें साल में पहुँचे, शिफ्ट नहीं हो सके, अब वो धक्के से पढ़ लें 2.5 सी जी पी से कर लिया, बट दे डोंट लाइक कंप्यूटर साइंस। तो हम उनसे ये कहते हैं कि भाई आप ऐसा काम करो, तो हमारे कंप्यूटर साइंस के लोगों ने फूड का बिजनेस भी शुरू किया हमारे, तो इसलिए इसके ऊपर बैरियर मत समझो, कोशिश करें कि आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो कौन सी है, अगर वो नहीं, अगर उस जिसमें पढ़ाया वो नहीं अच्छी लगती तो स्विच कर दें। ठीक है जी, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। पर लेकिन जो जी बच्चे तो जो रीजन आप नहीं एक्सपेक्ट करते हुए भी वैसे ही कि उन्होंने कुछ रीजन कि स्टार्टअप मोस्टली अगर एक आप स्टार्टअप शुरू करते हैं टाइम पे, आप मरूजी हालात को मद्देनजर रखते हुए सब कुछ सही भी कर रहे हैं, तो 90% चांसेस है कि आपका स्टार्टअप जो है वो फेल हो जाएगा। अब उसके कुछ वजूहत क्या है, आपकी जो मुल्क की इकानमी है वो स्टार्टअप्स को ऑब्जॉर्व करने की स्लाइड नहीं है। हम देखते हैं अगर इंडिया में हमारे पास सिलिकॉन वैली बिल्ड हो रही है, इंडिया में रेवोल्यूशन हो, आए दिन एक नया स्टार्टअप आ रहा है, तो उनकी इकानमी को भी देखना चाहिए, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, और हम अपनी इकानमी को देखें, हमारी इकानमी मतलब वीक जो है वो डाउन जा रही है, 2.6 से 2.0 पे हम आ गए, वो खेल रहे हैं सर ट्रिलियंस में, हम खेल रहे हैं अपने बिलियंस में, राइट। तो ये कुछ सवाल हैं जो कि हमें आगे चल के खुद की बात माशाल्लाह बेटा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसमें से बच्चे एक तो बड़ों के करने का काम है, और वो अल्लाह हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि हमारे जो बड़े हैं उनको भी हिकमत और विजडम अल्लाह सुभान व तआला दे दे, और जो हमारे बस का काम है आई थिंक इस लेंस में तो इतना काम है करने का कि आप अपने पीछे जो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई भी प्लम्बर टेक्नीशियन आप घर में बुलाते हैं वो एक काम ठीक करता है दो ख़राब करके चला जाता है। तो आप जिस एरिया का जो बच्चा है, जिसका एरिया का एक्सपीरियंस है, अगर आप अपने टीचर से ये फैक्चुएशन थ्योरी यानक लगाने वाला प्रोसेस सीख लेना, तो इंशाल्लाह ताला आपको अपने अंदर ही बेशुमार चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। मेरे पास एक लड़का है बहुत अद्दू काम, उसके वालिद ने फ़ोन किया कि शाहिद साहब बैठे, उनका शाहिद साहब वो ये मेरा बच्चा एफ एस सी में नंबर बहुत थोड़े आए हैं, कहीं दाखिला नहीं मिल रहा, तो इसको क्या करें। उन्होंने कहा हमारे पास तो बेटे, वो हमारे पास सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप में आ गया आई बी ए कराची में, उसको हम किसी तरीके से रख नहीं सकते। मैंने कहा तुम फ्री सर्विसेज दो मेरे असिस्टेंट, तो हमारे लेक्चर सुनने शुरू कर दिए, करते करते 3-4 महीने गुजरे, तो मैंने कहा माँ क्या कर रहे हो, कुछ सोचा तुमने, कोई यार कुछ पढ़ लो, खुदा का खौफ करो, तुम्हारे अब्बू पूछेंगे। कहने के सर वो मेरा ना बिजनेस शुरू हो गया। मैंने कहा वो कैसे? कहने का सर वो बातें सुन सुन कर ना आपकी, मैंने आपको बताया नहीं था, मैंने आई बी ए के एक और बच्चे को साथ में लाया और हमने ओ ए लेवल की ट्यूशन सेंटर खोल दिए, और खुद सेकेंड डिवीजन है, हमने ओ ए लेवल का ट्यूशन सेंटर खोल लिए, और सर हम ये कर रहे हैं कि वेबसाइट बना ली है, और आई बी ए के बच्चों को टीचर रिक्रूट करते हैं, और बाहर के लड़कों को जो उनको ये कहते हैं कि आई बी ए के बच्चों से पढ़वाएंगे, वो खुद सेकंड डिवीजन। तो हेंग लगे ना फटकड़ी रंग चुका है कि वो जो बच्चा मेरा एक और लड़का हुज़ैफ़ा मेरे पास आया केक लेकर, मैंने कहा क्या हुआ? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर 1,10,000 रुपये बना लिए, 10,00,000 रुपये बना चुका कि मेरा बीवी एंटरप्रेन्योरशिप का एक कोर्स पढ़ा। तो मैंने कहा वो कैसे? सर हमने अखबार में इश्तहार दिया जिसने ओ लेवल की ट्यूशन पढ़नी है उनसे रब्ता करो, और एक और इश्तहार दिया जिसने पढ़ानी है उनसे रब्ता करो, और रब सर फेसबुक बनाई, सर हम महीने का 1,25,00,000 बना लेते हैं, और अब मैंने जूतियों का भी कारोबार शुरू कर दिया। यानी ये जो 2 घंटे की टॉक है ना जी, हम पेशावर में गए, वहाँ अरशद साहब होते हैं जान सर पेशावर में ऐसे एक थे, तो ये बातें इतनी वहाँ पर हमने यही बातें की, तो अरशद साहब स्वीडन से आए हुए थे, पठान भाई हैं, तो वो
वापस आ गए थे और बहुत परेशान थे कि कुछ जॉब की शक्ल नहीं मिलती। ये फ्लक्चुएशन थ्योरी सुनी और उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि मैं क्या करूँ। मैंने सर आगे सवाल जा रहा था, उसने JNP स्ट्रैटेजी लगा दी मुझे, कहने का सर मुझे साथ ले जाए मैं गाड़ी चला दूँगा। तो उसने मेरे साथ चला, मेरे साथ रहा उसने। वो मैं जो कराची में पढ़ाता हूँ ना, दो दिन में मुफ्त में कोर्स कर लेता हूँ। पेशावर से सवाल, सवाल में एक दिन, वहाँ से वापसी पर सारा कोर्स मुझसे बुलवा बुलवा कर फ्री कर लिया। उसके बाद उसने कहा शायद साहब मुझे आइडिया आ गया, इंशाल्लाह ताला ना आपसे मुलाकात होगी तो आप देखिएगा मैं क्या करूँगा। वो कुछ दिनों के बाद उसका मैसेज आया कि सर मैंने ना 30,000 रुपये बना लिए हैं। मैंने कहा वो कैसे? कहते मैंने ना दुकान पर गया, मेरी क्वालिटी थी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसमें स्किल थी, और मैंने पेशावरी चप्पलें ली, उनको कप्तान चप्पल का नाम दिया और फेसबुक के ऊपर डाला और जरा बेचना शुरू कर दिया। पहले मोहल्ले में रिश्तेदारों में बनवाए, किसी से ली, किसी से अपना मोबाइल यूज किया, दैट्स इट, ओनली मोबाइल। ये सर वो बेसकैम 2.0 वाले तो नहीं है उसमें थे शायद, अब तो वापस चल गए। उसके बाद वहाँ से लिया और की अच्छी क्वालिटी की अपनी निगरानी में बनवाई और बेचनी शुरू कर दी। फिर महीने बाद सर 1,00,000 बनना शुरू हो गया, फिर 10,00,000 तक पहुँचा, 15,00,000 तक पहुँचा। फिर फॉरन इन्वेस्टर्स मिल गए, देसी बाजार .com की उसने वो उसने खोल ली। और उसके बाद और अभी उसने कहा कि सर वो मैंने छत पर ना जगह खाली पड़ी हुई थी, मैंने कहा कि यार इन कारीगरों को मैं उनको देता हूँ ज़्यादा पैसे, छत पर चार कारीगर बैठा दिया। रॉकसैन कंपनी की तरह फालतू जगह फालतू चीज़ें और अब जनाब वो देसी बाजार .com। तो पीछे ये जो माइंड सेट है ना, इसमें तो हमें ना नवाज शरीफ रोक सकता है ना इमरान खान साहब रोक सकते हैं। ये हम सिंध में कहते हैं हर घर से भूकंप निकलेगा, इतने भूकंप आ रहे तो हर घर से मेंबर निकलेगा, हर घर से एंटरप्रेन्योरशिप निकलेगा। ये तो बस एनेक्स ही पहनने की जरूरत है बच्चे, ट्यूशंस, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, ब्लॉगिंग। अगर 10 करोड़ बंदे हैं ना तो 10 करोड़ डिफरेंट चीज़ें बन जाएंगी, जितने बंदे उतनी वैरायटी, उतनी अल्लाह ने सिलाई देती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं मैं। जी आप इस बात कर रहे हैं दो चार चीजें उनको देख के जहाँ सहूलत हो आसानी हो। अगर हम ये कहते हैं कि अपना पैशन का मतलब ये है कि आपका आपका एक्सपर्टीज, आपकी स्किल, जहाँ आप थकते नहीं हैं, जिस काम को करते हुए आप थकते नहीं। तो आपने आइस होटल का केस पढ़ाया भी ना, अच्छा वो अब एक केस पढ़ाएंगे कि वो जनाब जिस काम में थकावट ना हो, जिस काम में थकावट ना हो और उसमें फिर स्किल अगर मैच हो जाए, रिसोर्सेज भी नज़र आने शुरू हो जाए, तो इसमें ना हमारे पास एग्जैक्ट फार्मूला है नहीं कि मैं एग्जैक्ट कुड़िया बना कर दे देंगे कि खा लें इन शह कैसे हाल हो जाएगा, तो ऐसा है नहीं। वो हर आदमी के लिए ना डिफरेंट अल्लाह निकाल दी और यही इसकी ब्यूटी है। हम ये कहते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट है, आप अपने पैशन रिसोर्सेज जो अल्लाह ने बॉडी हैंड दिए ना उसकी बेस पर दो चार एक्सपेरिमेंट वो कर लें, ये कर लें, उन दो तीन चार में दो चार फेल होंगे, वो फेलवर नहीं होगा वो लर्निंग, और उसकी बुनियाद पर अल्लाह सुब्हान व तआला को रास्ता दिखाई देगा। और अल्लाह ने वादा किया होगा जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं हम उनके लिए रास्ते निकालते हैं, उनके लिए आइडियाज निकालते हैं। आगे सुने भाई, ऐसी जगह से रोजी देंगे जहाँ से वो सोच भी नहीं सकते। हमने 4-5 हज़ार लोगों को ये पढ़ा चुके हैं, हर एक के साथ नहीं होता। अभी जो कल की प्रेजेंटेशन थी उसकी प्रेजेंटेशन का जो स्टाइल था ना, हर बच्चा बच्ची आकर कहते थे सर अल्हम्दुलिल्लाह, सर अल्लाह ने बड़ा करम किया, इन स्टाइल ही ऐसा था प्रेजेंटेशन का। हमने ऐसी प्रेजेंटेशन ना IIT में सुनी, ना लम्स में सुनी, ना IIB में सुनी। हर बच्चा बच्ची जो स्टेज पर आता था ना, सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की, सर मैं इतनी नेमतें मैं कैसे शुक्र अदा करूँ, सर हुआ ये हुआ, और सर मेरी अम्मी अबू इतने खुश हुए, मैं रोज़ाना अम्मी अबू को दबाता हूँ। ये हमारे कोर्स में शामिल था कि अपने अम्मी अबू से दुआएं लेना, वो क्योंकि तकवा के अंदर है ना, सच बोलना, सर मुनासिब रेट लिए और हमदर्दी मोहब्बत से पेश आए। आगे सुनो खुशखबरी, वमन यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुहु, जिसने अल्लाह पर कर लिया ट्रस्ट, अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो गए।
अब से अगली सुने जिसने अल्लाह पर कर लिया तकवा अल्लाह ताला उसके कामों को आसान बना देंगे। आगे पांच वादे हो रहे हैं। अच्छा तकवा का मतलब हमने उलमा से पूछा क्या मतलब है, हमदर्दी आजी मोहब्बत इंसानियत माँ बाप की खिदमत दादा दादी के पांव दबाना। चिन्योटी एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं कि हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, मेरी वालदा का नाम चिन्योट से था, शी इंश्योर्ड कि दादा दादा नानी खाला मामू घर में आए तो बेटे उनके पांव को मालिश करें सरसों के तेल की और बेटियां दादा नानी के पांव की मालिश करें तेल। दैट वाज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और उन